Hello everyone. So the subject that we are starting today is design and analysis of algorithms. Isse pehle bhi main subject ko padha chuka hu. I've already taught this subject before, but I feel that I've not done a proper justice to this subject before this time. So before I taught the same subject in English language, but now I'm trying to teach the same subject in Hindi language. Pehle jo maine subject ko padhaya tha wo English language ke andar padhaya tha. अब मैं इसी सेम सब्जेक्ट को हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्सचर की तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आए. ठीक है, अब सब्जेक्ट की जो हम स्टार्टिंग करेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस से रिलेटेड, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने किसी भी वीडियो के अंदर एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं किया है इस टॉपिक के लिए. और सिर्फ मैं ही क्यों, ऑनलाइन जितने भी आपके पास वीडियोज़ अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है इस टॉपिक के लिए. प्रॉपर जिस तरीके से टॉपिक प्रेजेंट किया जाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से ये टॉपिक, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपके किसी भी कंप्यूटर साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ, या फिर आपकी प्लेसमेंट्स हुई, प्लेसमेंट प्रिपरेशन हुआ, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और कुछ वीडियोस हैं, दो तीन वीडियोस हैं ऑनलाइन जिसको मैं कह सकता हूँ कि दे आर गुड एनफ, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो वीडियोस हैं, ज़्यादातर लोगों ने जो वीडियोस कवर किए हैं इस टॉपिक के लिए, उसमें किसी के अंदर एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन मुझे इस टॉपिक के लिए नहीं लगता है. बट स्टिल अब मैं इस टॉपिक के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको टॉपिक समझा दिया जाए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, आपको एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ मैं इस टॉपिक के अंदर कवर करूँगा. इस तरीके से कवर करूँगा कि चाहे आप एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर आप किसी प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, जैसे कि अपने जो कंपनीज़ हैं जहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का एक बहुत ही मेजर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो उस केस में भी अगर आप जाएंगे तब भी आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा. ठीक है, दूसरी चीज़ कि आप बुक कौन सी रेफ़र करेंगे. देखिए, इस बुक सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है कॉर्मेन. तो कॉर्मेन जो है काफ़ी बड़ी बुक है, इतनी मोटी बुक है, और वो कॉर्मेन जो बुक है उसको एक स्टैंडर्ड बुक हम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी जो टॉपिक्स हैं वो सभी प्रॉपर तरीके से कवर्ड हैं. लेकिन उसके अलावा भी अगर आप, इफ़ यू वॉन्ट टू रेफर सम बुक फॉर इंडियन ऑथर, अगर आप कोई इंडियन ऑथर की बुक अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं, तो आप एक बुक रेफ़र कर सकते हैं बाई नरसिम्हा कारुमांची. उसके दो बुक्स के वेरियंट्स हैं. एक तो ये वेरियंट है हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम मेड इजी बाई नरसिम्हा कारुमांची, और इसी में एक और वेरिएंट है उसका, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फॉर गेट बाय नरसिम्हा कारुमांची. तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉर्मेन पढ़ेंगे, तो कॉर्मेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी है. जैसे अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन एग्जामिनेशन के लिए आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच चाहिए, और जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली अप्रोच है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली अप्रोच के लिए बेटर है कि आप ये बुक रेफ़र कीजिए. मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. ठीक है, आप इसको रेफ़र कीजिए. आई फील दैट यू विल फील द डिफरेंस इन दिस बुक. और मैं भी जो वीडियोस कवर करूँगा उसके अंदर मैं इन दोनों बुक्स को रेफ़र करूँगा. मैं कॉर्मेन बुक को भी रेफ़र करूँगा और साथ साथ मैं इस बुक को भी रेफ़र करूँगा. तो मोस्टली अगर मुझे कहीं पर सुडो कोड पॉइंट आउट करना हो, सुडो कोड रिप्रेजेंट करना हो, तो उस केस में मैं कॉर्मेन रेफ़र करूँगा. लेकिन अगर काफ़ी केसेस में मुझे प्रोग्राम्स लिखने हों, चाहे वो सी प्रोग्राम्स हो या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स हों, उस केस में मैं इस बुक को रेफ़र करूँगा. ठीक है, तो इस बुक के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट भी गिवन है और एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट भी गिवन है. ठीक है, तो अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ टॉपिक का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक ऑल्सो. ईजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है. अगर आपको समझ में आता है और आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, तो ये काफ़ी ईजी टॉपिक है. लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर इस वन दो अगर आपको समझ में भी आता है लेकिन आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो ये टॉपिक आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाएगा. तो इसके लिए तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए. आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स कैसे काम करते हैं, जैसे कि रिकर्सिव प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, लूपिंग कैसे काम करती है, चाहे वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, इफ डू व्हाइल लूप हो, और आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं, और साथ साथ में आपके जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखती है. अगर ये सब चीज़ें आपको पता है, तो एक ये एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए सब इस टॉपिक के लिए. दूसरा, एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए कि आप रिकरेंस रिलेशंस की चीज़ों को सॉल्व कर सकें और सीरीज़ को आप सॉल्व कर सकें. और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो है आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज, रेकरेंस रिलेशंस की नॉलेज और साथ साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज. इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही आप इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे. लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा बेसिक से इस टॉपिक को लेकर चलूँ ताकि आपके लिए समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाए. अब ये जो वीडियो है एक मैं कोशिश करूँगा एक थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाए. थोड़ा सा क्या, एक्चुअली मेरा प्लान है इस वीडियो को 2 से 3 घंटे का ये वीडियो रहेगा, जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैं सब कुछ ही इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ. आई डोंट केयर कि कितना भी लंबा वीडियो बन जाए, लेकिन इस पूरे वीडियो के अंदर मैं इस पूरे टॉपिक को स्टार्टिंग से एंड तक कवर कर दूंगा. सिर्फ इस एक सिंगल वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है. चाहे आप रिकर्सिव फंक्शंस के लिए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना चाहते हैं, चाहे आप नॉन रिकर्सिव फंक्शन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना चाहते हैं, मैं इस पूरे वीडियो के अंदर हर चीज़ थॉरली बिल्कुल बेसिक से कवर कर दूंगा. तो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है वीडियो लेक्चर्स का, उन बच्चों के उन सबके प्लेटफॉर्म पर ये वीडियोज़ अवेलेबल होगा, पूरा वेरियंट अवेलेबल होगा उनके प्लेटफॉर्म पर. इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी है जो मैं रेफ़र करूँगा. जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है, वो मैं यहाँ रेफ़र करूँगा ही करूँगा. लेकिन उनके पास इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस प्लस जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा होंगी वो भी आपके पास अवेलेबल होगी. ठीक है, इसका एक वेरियंट यूट्यूब पर अवेलेबल होगा और बाकी जो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है उनके पास इसका एक और कम्प्लीट वेरियंट भी अवेलेबल होगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. मैं एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करूँगा कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर, आपके पास प्रोग्राम्स हैं. ठीक है, अब प्रोग्राम्स जो आप लिखते हो उसका काम क्या होता है. प्रोग्राम जो है, द वर्क इज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्रोग्राम्स लिखते हैं. ठीक है, प्रोग्राम्स के आप इसको एक इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एल्गोरिथम. ठीक है, देखो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना. ठीक है, प्रोग्राम का मतलब है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उन एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर देना. ठीक है, तो एल्गोरिथम का मतलब है To solve a problem, give step-by-step instruction. Step-by-step instruction को देना हम बोलते हैं उसे algorithms. ठीक है, अब कुछ भी problem हो सकती है, चाहे वो एक mathematical problem है, चाहे वो real life problem है, उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं. जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, लेट अस से दिस इज़ द सिटी विच इज़ दिल्ली एंड दिस इज़ द सिटी विच इज़ मुंबई. नाउ बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई एक से ज़्यादा रास्ते पॉसिबल है. अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा अलग अलग रास्ते जो हैं वो पॉसिबल हैं. इस तरीके से काफ़ी रास्ते हैं ऐसे जो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए पॉसिबल हैं. लेकिन मेरा काम क्या है, मेरे को ये कंपेयर करना है कि जितने भी रास्ते यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सब में से सबसे बेटर रास्ता कौन सा है. अब वो बेटर आप कैसे मेज़र करेंगे, वो मेज़र करेंगे कि जहाँ पर आपको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़े. जहाँ पर आपको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़े और रास्ता भी अच्छा हो, उसी केस में आप उस रास्ते को बोलेंगे दिस इज़ द बेटर वे एज़ कम्पेयर टू अदर. उसी तरीके से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल है. प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, इट कैन बी अ प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू साइंस, इट कैन बी अ रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसे कि हाउ टू मेक टी, है ना. तो टी बनाने के लिए भी एक से ज़्यादा तरीके पॉसिबल है. तो जितने भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम्स अवेलेबल है उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जितने भी सॉल्यूशन हैं, आपका एम है आप ये बताओ उन सभी सॉल्यूशंस को कंपेयर करके कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर है. ठीक है, जैसे कि समझो कि ये आपके पास एक प्रॉब्लम है P1, इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन S1, दिस इज सॉल्यूशन S1. इसके अलावा हमारे पास और भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि ये सॉल्यूशन S2 है, दिस इज सॉल्यूशन S2, this is solution S3, this is solution S4,
दिस इज सॉल्यूशन SN. तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर टोटल N सॉल्यूशंस अवेलेबल है, N अलग अलग तरीके अवेलेबल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब आपको ये बताना है कि इन सभी सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन बेटर है. तो वो हमारा एक एम है जो हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बेटर है. जैसे कि सिंपल सा आपको एग्जांपल लेता हूँ, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल्स मैं आपके साथ लेता हूँ. मैंने बोला कि मुझे निकालना है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, जैसे कि दिस इज फैक्टोरियल ऑफ एन. एक नंबर है आपके पास एन, उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है. अब फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर एन के लिए आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि एक रिकर्सिव प्रोग्राम हो सकता है, और एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि एक नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है, ठीक है. जैसे कि हमने लिखा एक रिकर्सिव प्रोग्राम और हमने लिखा एक नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम. तो रिकर्सिव प्रोग्राम कौन सा है? जिसके अंदर रिकरेंस हो या फिर कहो रिकर्जन हो, ठीक है. आई थिंक आपको रिकर्जन के बारे में पता होगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है तो आपको रिकर्जन पता होगा. इस केस में हम रिकर्जन एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह भी दे सकते हैं. जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n, इट कैन बी रिटन एज 1 इफ n इक्वल टू 1, और इट कैन बी रिटन एज n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 अदरवाइज, ठीक है. अब इस केस में क्या हुआ कि इस केस में अगर n का फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. n माइनस 1 जो है, ये जो एक केस है, ये अपनी डेफिनेशन को दोबारा से रिपीट कर रहा है. तो यहाँ पर हम लोग रिकर्जन कर रहे हैं. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कैसे लिखेंगे हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं लिखूँगा इंटीजर फैक्टोरियल इंटीजर n इफ n is less than or equal to 1, then return 1, because 0 का factorial भी 1 होता है और 1 का factorial भी 0 होता है. और should I write, so or else क्या होगा, it is return n into factorial of n minus 1. तो ये एक प्रोग्राम है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. अब ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, यहाँ पर ये अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहा है, और यहाँ पर सारे रिकरेंस रिलेशंस एंड रिकर्शंस यहाँ पर हो रही है. इसके अलावा हमारे पास इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम भी बना सकते हैं, यानी कि जहाँ पर रिकर्शन नहीं हो रही. जैसे कि मैंने ऐसा लिखा इंटीजर फैक्ट ऑफ इंटीजर एन, I'll take integer I is equal to 1 and facto is equal to 1. I'll take for I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus facto is equal to facto multiplied by I. And last mein I am just going to return the facto which is representing the factorial of this number, ठीक है. तो मुझे यहाँ पर वैसे i को initialize करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी यहाँ पर initialize कर दिया. लेकिन आप इस तरीके से भी एक प्रोग्राम लिख सकते हैं टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. देखो ये प्रोग्राम जो है इट इज़ अ टू लाइन प्रोग्राम, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. ये जो प्रोग्राम है इट इज़ ऑल्सो इट इज़ अ मल्टी लाइन प्रोग्राम, बट इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. तो इन दोनों प्रोग्राम की हेल्प से आप फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर को निकाल सकते हैं. अब देखो जब आप इन प्रोग्राम्स को मेज़र करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम बेटर है, तो उसको मेज़र करने के लिए आप मल्टीपल अलग अलग तरह की मैट्रिसेस को यूज़ करेंगे. आप ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम बेटर है, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हैं जिससे हम कह सकते हैं ये प्रोग्राम बेटर है. आपको ये जज करना है कि दोनों में से कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा बेटर है, ठीक है. तो कौन कौन सी मैट्रिसेस आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू मेज़र. देखिए जो मैट्रिसेस हैं वो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है. जो मैट्रिसेस है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी डिसाइड हो सकती हैं. लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिसेस है, हम जब भी सभी मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि मैं ऐसा बोलता हूँ
ki out of these programs, the program which is having less line of code is better. ऐसा कह सकते हैं, ये देखिए, ये जो जो मैं आपको मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये वो मैट्रिक्स है जो कि स्टूडेंट से मुझे पता चला है ड्यूरिंग द क्लासरूम सेशंस. तो क्या होगा कि बोलते हैं प्रोग्राम जिसके अंदर कम लाइन ऑफ कोड है वो प्रोग्राम बेटर हो सकता है. दूसरा, उसी तरीके से स्टूडेंट्स बोलते हैं द प्रोग्राम विच इज विच टेक्स लेस स्पेस, विच टेक्स लेस स्पेस. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं जो प्रोग्राम इनमें से ईजियर टू अंडरस्टैंड है, ईजियर टू अंडरस्टैंड इज बेटर. उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं द प्रोग्राम विच टेक्स लेस एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम. यहाँ पर हम लोग एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर कर रहे हैं. उसके अलावा हम लोग मेजर कर सकते हैं द प्रोग्राम विच टेक्स लेस टाइम एंड लेस स्पेस, लेस स्पेस. अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा लेस टाइम, ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लेस टाइम आई मेक इट मोर क्लियर, विच टेक्स लेस स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट, दैट प्रोग्राम इज बेटर. और सम स्टूडेंट में से द प्रोग्राम विच इज मोर ब्यूटिफुल after looking at it is better. There may be multiple this kind of analysis. तो काफ़ी बच्चे अलग अलग तरीके analysis यहाँ पर दे सकते हैं. अब इसमें से कुछ ऐसी analysis हैं जो कि correct हैं, कुछ ऐसी analysis है जो कि ठीक नहीं है. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ the program that takes less lines of code, इन दोनों में से जो program less lines of code लेगा वो आपके पास better है. लेकिन actually ये जो है ये एक matrix है जो पहला, इट इज़ नॉट करेक्ट. ये एक करेक्ट मैट्रिक्स नहीं है. वाई इट इज़ नॉट अ करेक्ट मैट्रिक्स, अब इसको ऐसा समझ सकते हैं. देखिए, जब आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले आप इसको देते हैं प्री प्रोसेसर के पास. सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को देते हैं प्री प्रोसेसर के पास. प्री प्रोसेसर आपको देता है एक प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. और उस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को आप देते हैं कंपाइलर के पास. कंपाइलर हमें देता है असेंबली कोड, जिसको आप देंगे असेंबलर के पास. असेंबलर हमें देगा मशीन कोड, जिसको आप देंगे लोडर एंड लिंकर के पास. और जो फर्दर आपको देगा एग्जीक्यूटेबल कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड. तो एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के केस में इतने सारे आपके स्टेप्स होते हैं. अब जब भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, जैसे कि ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो कि आपने सी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है. अब इस प्रोग्राम को जब आप प्री प्रोसेसर के पास देते हैं, प्री प्रोसेसर, तो प्री प्रोसेसर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है. प्री प्रोसेसर का मतलब है कि उस प्रोग्राम को प्रोसेस कर कर सभी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा दो जो कि कंपाइलर को जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि अगर हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर कहीं पर हैश डिफाइन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, हैश डिफाइन स्टेटमेंट, हैश डिफाइन NS5, तो ये जो हैश डिफाइन स्टेटमेंट है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज़ कर लेते हैं एज अ शॉर्टकट, बट कंपाइलर को इसकी ज़रूरत नहीं है. उसके अलावा हमारे पास टाइप डेफिनेशन स्टेटमेंट होती है, टाइप डेफ स्टेटमेंट, टाइप डेफिनेशन इंटीजर ISI. तो ये जो टाइप डेफिनेशन स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो रिमूव्ड इन दिस प्री प्रोसेसिंग फेज. उसके अलावा जो हमारे कमेंट्स होते हैं, चाहे वो सिंगल लाइन कमेंट हो या मल्टी लाइन कमेंट हो, तो वो सभी कमेंट जो है वो प्री प्रोसेसिंग फेज में निकल जाते हैं. उसके अलावा आपके पास जो एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड न्यू लाइन कैरेक्टर्स, न्यू लाइन कैरेक्टर्स, वो सभी प्री प्रोसेसर फेस में निकल जाते हैं. देखो, एक्स्ट्रा स्पेसेस का मतलब क्या है, अगर आप किसी इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर एनी अमाउंट ऑफ स्पेस आई, एनी अमाउंट ऑफ स्पेस इक्वल टू 5. तो ये जो स्पेस है, अगर हम स्पेस को देंगे तब भी प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट परफेक्टली,
लेकिन हमारे कंपाइलर को स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. कंपाइलर शुड नो कि जो प्रोग्राम है वो करेक्ट है कि नहीं. उसी तरीके से जब आप एक प्रोग्राम को मल्टीपल लाइंस के अंदर लिखते हैं तो मल्टीपल लाइंस को लिखना, उस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर के तरीके से रिप्रेजेंट करना, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि प्रोग्रामर ये समझ पाए कि जो प्रोग्राम है वो कैसे उसका फ्लो चल रहा है, प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है. उसी तरीके से किसी प्रोग्राम के अंदर हम जो कमेंट्स डालते हैं, कमेंट्स भी एक प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है. जो आपका कंपाइलर है, कंपाइलर को उन कमेंट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर को उन कमेंट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो वो जो जितने भी कमेंट है उन सभी कमेंट्स को हम प्री प्रोसेसिंग फेज़ के अंदर निकाल देते हैं. तो प्री प्रोसेसिंग फेज इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें निकालता है, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस समय पर हमारे काम की है वो है कि जो न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इस पूरे प्रोग्राम में, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस और न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं उन सबको निकाल देगा. न्यू लाइन कैरेक्टर्स मतलब नई नई लाइन्स. अब कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि कोई स्टेटमेंट कहाँ पर एंड हुई अगर वो न्यू लाइन को निकाल देगा? वो बिकॉज ऑफ दीज सेमी कॉलन्स. जहाँ पर भी सेमी कॉलन्स हमने यूज़ किए हैं तो सेमी कॉलन्स बताते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पर ख़त्म हुई है, कौन सी स्टेटमेंट कहाँ तक है. जैसे कि ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है. तो हर एक स्टेटमेंट की जो लिमिट है वो इस न्यू लाइन कैरेक्टर से निकलता है. तो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, जो कि हमने एक मल्टीपल लाइन्स में लिखा है, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को आप एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख देंगे ना, तभी कंपाइलर को प्रोग्राम करेक्टली समझ आएगा. कैसे आप इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं? मैं सिंपल इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ. देखो, इंटीजर फैक्ट इंटीजर ओपनिंग ब्रैकेट इंटीजर आई इक्वल टू वन फैक्टो इक्वल टू वन फॉर आई इज इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस फैक्टो इज इक्वल टू फैक्टो मल्टीप्लाइड बाई आई एंड देन रिटर्न फैक्टो. तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोग्राम को भी अगर पूरी एक लाइन में भी लिखेंगे तब भी हमारे कंपाइलर इसको ईजिली एग्जीक्यूट कर पाएगा और तभी कंपाइलर इस प्रोग्राम को समझ पाएगा. तो कंपाइलर को न्यू लाइन कैरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. तो इसी वजह से किसी प्रोग्राम में अगर आप ये बोलते हैं कि सर इस प्रोग्राम में सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड है और इस प्रोग्राम में 10 लाइन ऑफ कोड है, चाहे वो 2 लाइन का कोड हो चाहे वो 10 लाइन का कोड हो, जब भी आप ये जो प्री प्रोसेसर उस प्रोग्राम को कंपाइलर को देगा तो उस पूरे प्रोग्राम में से जितने भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस हैं, जितने भी एक्स्ट्रा न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं, सबको निकाल देगा. और जब वो उन सभी न्यू लाइन कैरेक्टर्स को निकाल देगा, उसके बाद जो हमारे पास प्रोग्राम बचेगा वो एक सिंपल एक लाइन ऑफ कोड के अंदर बचेगा. तो इसी वजह से ये जो लेस लाइन ऑफ कोड वाले जो मैट्रिक्स हैं, ये मेजर करने के लिए दोनों से कौन सा प्रोग्राम बेटर है, इट इज़ एक्चुअली इनवैलिड. ये इनवैलिड है, लेकिन इस मैट्रिक्स को आप एक प्राइमरी मैट्रिक्स नहीं बना सकते. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपका खुद का एक क्राइटेरिया हो सकता है मेजरमेंट करने का. तो ये प्राइमरी मेजरमेंट कभी नहीं हो सकता. अगर ये मेजरमेंट होगा तो ये बनेगा आपका एक सेकेंडरी मेजरमेंट. यानी कि जो सेकंड प्राइमरी मेजरमेंट आपका अलग होगा. ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास टेक्स लेस स्पेस. अब ये जो लेस स्पेस है, ये इसके अंदर बहुत ही कुछ स्टूडेंट जो हैं लेस स्पेस को दो अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं. पहला, टेक लेस स्पेस मीन्स कोई प्रोग्राम जिसके अंदर 1000 लाइंस ऑफ कोड है, या फिर कोई प्रोग्राम जिसमें 10000 लाइन ऑफ कोड है, 10000 लाइंस ऑफ कोड का प्रोग्राम है, इट विल बी हैविंग सम साइज, लेट अस से 50 KB, 100 KB और 1 MB और 2 MB. तो प्रोग्राम का भी कुछ साइज़ हो सकता है ना. उसके अलावा जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब वो मेमोरी में क्या स्पेस ले रहा है, तो वो दो अलग अलग मीनिंग्स है. जब मैं टेक्स लेस स्पेस की बात करता हूँ तो इट इज़ अ एम्बिगुअस स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि ये कह सकता है कि प्रोग्राम का साइज़ क्या है, आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम साइज और यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस साइज. प्रोग्राम साइज या फिर प्रोसेस साइज. देखो, प्रोग्राम साइज और प्रोसेस साइज में दो वर्ड्स क्यों बोले, क्योंकि प्रोग्राम साइज जो है कि प्रोग्राम में कितने लाइन ऑफ कोड है या कितने कोड आपने लिखा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम साइज डिपेंडेंट होगा. लेकिन आजकल के ज़माने में वेन वी हैव सो मच स्पेस इन योर कंप्यूटर, इवन आजकल जो हमारे पास एक पर्सनल लैपटॉप होता है उसके अंदर भी 1 TB हार्ड डिस्क होती है. अगर आज से 20 साल पहले, इवन आज से अगर मैं कहता हूँ कि जब मैंने अपना पहला कंप्यूटर लिया था इन 2006, तो 2005 या 2006 में मैंने अपना पहला कंप्यूटर लिया था. उस समय पर मेरे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 80 GB हार्ड डिस्क थी
और जिस सिटी में मैं रहता था वो मेरी सिटी में सबसे बड़ी हार्ड डिस्क का कंप्यूटर था, यानी उस सिटी में उस समय पर उससे ज़्यादा हार्ड डिस्क स्पेस अवेलेबल ही नहीं होती थी, है ना, कि वो सब लोग समझते थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। तो उस समय के हिसाब से वो जो हार्ड डिस्क स्पेस थी 80 GB, वो उस समय के हिसाब से काफ़ी सही और काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क स्पेस मानी जाती थी। लेकिन अगर आप आजकल देखेंगे तो आजकल जो हमारे मतलब मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ही 128 GB स्पेस होती है। इवन इसके जो स्मॉल मेमोरी कार्ड है वो मेमोरी कार्ड ही आपके पास 200-250 GB के तो आपका मेमोरी कार्ड मिल जाते हैं। तो जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स की स्पेस जो है आजकल जो टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि हमारे पास जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो गई है और जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गया है। तो जनरली आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिखें लेकिन वो इतना कंसर्निंग नहीं होगा, बिकॉज दैट एंटायर प्रोग्राम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो प्रोग्राम का जो साइज़ है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि स्पेस आपके पास बहुत सारी अवेलेबल है। तो ये जो मेजरमेंट है विच इज़ प्रोग्राम साइज़, अनलेस आपको जो प्रोग्राम है वो बहुत ही एक ऐसी डिवाइस में स्टोर करना है जिसके अंदर बहुत ही कम स्पेस अवेलेबल है, जैसे कि KB, KB के अंदर स्पेस अवेलेबल है, अनलेस ऐसा कुछ केस है, तब उसके अलावा ऐसा कुछ केस नहीं है तो हमारे पास प्रोग्राम का जो स्पेस, जो प्रोग्राम का साइज़ है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट वो मैटर नहीं करता। अब जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कुछ कैलकुलेटर हो सकते हैं, जैसे आजकल आपके पास कैशियो के कैलकुलेटर्स हैं, या फिर अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर से यूज़ कर रहे हैं, इवन कैशियो के जो कैलकुलेटर्स हैं, या फिर आप प्रिंटर का सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, या फिर आप इवन इमेजिन करें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, वहाँ पर स्पेस कम होती है। कैलकुलेटर्स के अंदर काफ़ी लेस स्पेस होती है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू प्रॉपर कंप्यूटर्स। तो अदरवाइज हमारे पास स्पेस मैटर नहीं करता। तो हम प्रोग्राम का साइज़ कभी भी एक प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पर नहीं ले सकते, लेकिन प्रोसेस का साइज़ ज़रूर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी प्रोसेस किसी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हो, वो एग्जीक्यूट होता है मेन मेमोरी में, ठीक है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस समय पर वो कितना स्पेस ले रहा है ये मैटर करता है। एक्चुअली यहाँ पर प्रोसेस स्पेस की जगह पर मैं इसको प्रोग्राम स्पेस भी कह सकता हूँ, कि प्रोग्राम साइज़ भी कह सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ इनपुट। यानी कि आपने कितना इनपुट दिया उस इनपुट के अकॉर्डिंग वो कितना स्पेस ले रहा है वो चेंज होता है तो वो मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट जितना बड़ा होगा, देखो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे पॉसिबल हैं जहाँ पर एक छोटे से इनपुट के लिए जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा इट विल टेक सो मच स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा वो, बिकॉज ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। तो रिकर्सिव कॉल जो है वो स्टैक की फॉर्म में स्टोर होती हैं तो वो स्पेस लेते हैं। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ इसके लिए स्पेस के लिए, जैसे कि ये वाला प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम में मैं इसको एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम में आपके पास n की वैल्यू कुछ भी हो, n की वैल्यू आपके पास 2 भी हो सकती है या फिर n की वैल्यू 100,000 भी हो सकती है, n की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो, तो इस प्रोग्राम में जितनी भी स्पेस ये प्रोग्राम यूटिलाइज करेगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल n इंटीजर का वेरिएबल का साइज़ ऑलरेडी फिक्स्ड है, जैसे 4 बाइट्स का अगर वेरिएबल है तो 4 बाइट्स का वेरिएबल इतनी बड़ी नंबर को स्टोर कर सकता है, है ना। ऐसे ही अब फैक्टोरियल का ऐसा कर सकते हैं, फैक्टोरियल मैक्सिमम इंटीजर की जगह आप इसको लॉन्ग बना दो, है ना, ताकि वो बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकें। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम के लिए एक जो बड़ी नंबर्स भी अगर आप लेंगे तब भी इसमें जो साइज़ यूज़ होगा वो मैटर नहीं करेगा, वो साइज़ कभी भी चेंज नहीं होगा। प्रोग्राम एक कॉन्स्टेंट स्पेस लेगा, दिस प्रोग्राम विल टेक कॉन्स्टेंट स्पेस टू एग्जीक्यूट, कॉन्स्टेंट स्पेस टू एग्जीक्यूट, ये प्रोग्राम एक कॉन्स्टेंट स्पेस लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम की बात करते हैं, इसको भी मैं एक अंडरलाइन कर देता हूँ इस तरीके से, जब आप इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो इस प्रोग्राम में हम रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं, और जब भी हम रिकर्सिव कॉल्स करते हैं तो रिकर्सिव कॉल स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, हमने पहले इस फंक्शन को कॉल किया, पहले एक्चुअली मेन प्रोग्राम से फंक्शन कॉल होगा, तो जो हमारे पास स्टैक है इस स्टैक के अंदर पहले हमारे पास मेन प्रोग्राम का एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, तो मेन प्रो फंक्शन है, तो मेन फंक्शन से फिर हम फैक्टोरियल ऑफ 5 इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर ये फर्दर स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट नंबर 2 को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद यहाँ पर जब वो आएगा तो बोलेगा कि मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 की ज़रूरत है, फैक्टोरियल ऑफ 4 के बाद फिर ये कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 3 को, फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 2 को, और उसके बाद ये कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 1 को। तो जब भी ये फंक्शन कॉल्स हो रही हैं, जब भी ये रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, तो सभी रिकर्सिव कॉल्स को स्टैक स्पेस की ज़रूरत है, और ये स्टैक स्पेस इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इनपुट।
ये इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n, अकॉर्डिंग टू n, जितना इस वैल्यू ऑफ इंटीजर n का साइज इंक्रीज होगा उतना ही ये स्टैक स्पेस इंक्रीज होगा। लेकिन इस केस में n का साइज कुछ भी हो, जो स्पेस यूटिलाइज हो रहा है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर जो स्पेस यूटिलाइज हो रहा है वो हमेशा रिकर्सिव कॉल्स की फॉर्म में, बिकॉज हर एक रिकर्सिव कॉल को हमें एक स्टैक के अंदर स्टोर करना होगा, तो हर एक रिकर्सिव कॉल की फॉर्म में ये साइज चेंज होगा, है ना। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पर जो साइज़ है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस चेंज हो सकता है, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पर स्पेस आपका हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो जब मैं टेक्स लेस स्पेस टू एग्जीक्यूट की बात करता हूँ तो एक्चुअली मैं प्रोग्राम के साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए जितना स्पेस चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं एक्चुअली बेटर टर्मोलॉजी के लिए रहेगी कि स्पेस टेकन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की बात करेंगे तो वो एक मेजरमेंट यहाँ पर हो सकता है। अब ये जो मेजरमेंट है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट है, ये होगा हमारा एक प्राइमरी मेजरमेंट, प्राइमरी मेजरमेंट, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट है दैट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब ये जो ईजियर टू अंडरस्टैंड वाला एक जो कॉन्सेप्ट है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे कोई टॉपिक अच्छे से आता है तो मेरे लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन अगर आप उस टॉपिक के लिए बिल्कुल नए हैं, आपके लिए आपको टॉपिक कभी समझ में नहीं आता, तो आपके लिए वो जो टॉपिक है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है और आपको शायद तो समझ में ना आए, है ना। तो जो ईजियर टू अंडरस्टैंड है इट डिपेंड्स ऑन द परस्पेक्टिव ऑफ अ पर्सन, यानी कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, आप कितना समझ सकते हैं, आप कितना प्रेशर ले सकते हैं, ये उन सब चीज़ें जो ईजियर टू अंडरस्टैंड है ये उस पर डिपेंड करता है। तो ईजियर टू अंडरस्टैंड जो है ये अलग अलग ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, तो इसी वजह से ईजियर टू अंडरस्टैंड जो है एक बेटर मेजरमेंट नहीं है। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट मेजरमेंट हमारे पास है वह टेक्स लेस एग्जीक्यूशन टाइम। अब जब मैं लेस एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक्चुअली एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम, जैसे कि आपने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लिया, उस कंप्यूटर के अंदर आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, इज़ इट 10 मिलीसेकंड, इज़ इट 10 नैनोसेकंड्स, कितना टाइम ले रहा है, तो वो आपके पास होगा कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम। जैसे कि अगर मेरे पास एक i5 कंप्यूटर है, एक लैपटॉप या कंप्यूटर है जहाँ पर i5 प्रोसेसर है, तो i5 प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम ने लिया 10 मिलीसेकंड टू एग्जीक्यूट। लेकिन अगर मैं सेम प्रोग्राम को लेटर से i7 प्रोसेसर के अंदर ले सकता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्शन, ऐसा हो सकता है कि i7 प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10 मिलीसेकंड इट इज़ टेकिंग 8 मिलीसेकंड्स, है ना। अब ये एक्चुअली हो सकता है, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो एक्चुअली प्रोसेसर हैं i5, i3, i7 ये डिज़ाइंड है फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग। एक्चुअली पैरेलल कंप्यूटिंग का हो या फिर पैरेलल जहाँ पर कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सके, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइंड है। उस टॉपिक को भी नहीं लेते हैं बिकॉज वो टॉपिक इस समय पर आपके लिए काफ़ी इररिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन इतना समझने की आप कोशिश कीजिए कि अलग अलग प्रोसेसर का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है, तो हर एक प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं अलग अलग प्रोसेसर के अंदर, तो वो अलग अलग टाइम ले सकता है। देखो एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि एक हमारे पास स्टेटमेंट है, इससे भी बहुत ही सिंपल मैं स्टेटमेंट लेता हूँ। एक प्रोग्राम में आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट हो सकती है, मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। देखो एक स्टेटमेंट है हमारे पास, ये आपके पास मेन फंक्शन है, हमने कुछ वेरिएबल्स लिए इंटीजर ए बी, लेट अस टेक वन वेरिएबल, ओके इंटीजर ए बी एंड सी, तीन वेरिएबल्स हमने ले लिए, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब एक सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पर हम बी और सी दो नंबर्स का एडिशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन तीन लाइंस को लेता हूँ, इन तीन लाइंस को, ये जो तीन लाइंस है ये आपने इसको लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप देखोगे प्री प्रोसेसर के पास, तो पहली चीज़ जो प्री प्रोसेसर करेगा इस केस में, पहली चीज़ वो करेगा इसके अंदर से एक्स्ट्रा न्यूलाइन स्पेस, एक्स्ट्रा न्यूलाइन कैरेक्टर्स को निकाल देगा। दूसरी चीज़, जब आपके पास एक प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आएगा जिसको आप देखोगे कंपाइलर के पास, वो आपको देगा असेंबली कोड। अब ये जो असेंबली कोड है यहाँ पर, ये एक मेजर कंसर्न है,
एक असेंबली कोड जो है वो आपका एक मेजर कंसर्न है, डिफ्रेंशिएट है. वाई देखो, जैसे कि वेरिएबल बी सी और ए दे विल यूटिलाइज सम स्पेस इन द मेमोरी. तो वेरिएबल बी की जब मैं बात करता हूँ तो किस तरीके से होगा, जब वेरिएबल बी इज इक्वल टू 5 मैंने किया तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं. देखो असेंबली कोड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं, लोड बी कॉमा हैश 5, ठीक है. या फिर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली हो सकती हैं, इंस्टेड ऑफ दिस आप काफ़ी जगह पर स्टोर इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं. तो ऐसा हो सकता है स्टोर बी कॉमा हैश 5, ऐसे ही स्टोर बी कॉमा हैश 6, फिर हो सकता है सॉरी सी कॉमा हैश 6. तो बी के अंदर हमने 5 स्टोर किया, बेटर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लेट मी राइट इट इन बेटर वे. हम इस इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम इसको ऐसा कर सकते हैं लोड आर नॉट कॉमा बी लोड आर वन कॉमा सी स्टोर आर नॉट कॉमा हैश 5 स्टोर आर नॉट कॉमा हैश 6. इसी तरीके से लोड आर टू कॉमा ए मेक इट एड आर नॉट कॉमा आर वन एंड वी हैव स्टोर ए कॉमा आर नॉट है. इसमें से कुछ हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. तो इस तरीके से आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती है. देखिए मैंने जब इसको लिखा तो मैंने बोला कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से मैंने लिखा कि मैं अलग अलग तरीके से एक ही असेंबली कोड की इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ. देखो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं दीज आर असेंबली कोड इंस्ट्रक्शंस. ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखा एग्जैक्टली एक यही फॉर्मेट होगा, इसके अलावा भी और भी फॉर्मेट हो सकते हैं. जैसे कि इसी सेम प्रोग्राम को हम एक इस तरीके से भी कर सकते थे कि हमारे पास इस तरीके से है कि स्टोर बी कॉमा हैश 5 स्टोर सी कॉमा हैश 6 देन वी हैव एड बी कॉमा सी स्टोर ए कॉमा बी, है ना. तो इस तरीके से भी हो सकता है. तो ये जो बेसिकली क्या है, ये जो असेंबली कोड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंडेंट होता है. एक्चुअली काफ़ी जो कंपाइलर्स हैं वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी कंपाइलर्स हैं कुछ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे. ये डिपेंडेंट होता है ये आपके प्रोसेसर पर डिपेंडेंट होता है. काफ़ी जो प्रोसेसर्स हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट सपोर्ट करते हैं, काफ़ी प्रोसेसर कुछ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं करते. जैसे कि हमारे पास एक एडिशन एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर. इसके अलावा हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है सब्ट्रैक्शन, एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है मल्टीप्लिकेशन, एक इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं जंप इफ नॉन ज़ीरो, एक इंस्ट्रक्शन हो सकते जंप इफ ज़ीरो. इस तरीके से आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कुछ प्रोसेसर सपोर्ट करेंगे. एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो क्या इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है. अब जब आप किसी प्रोग्राम को एक कंपाइलर के अंदर देंगे ये कंपाइलर आपको असेंबली कोड देगा और ये असेंबली कोड आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है. इसको जब असेंबलर को देंगे तो ये आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपका प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है. आपके पास AMD प्रोसेसर है, आपके पास इंटेल प्रोसेसर है, आपके पास कोई और कंपनी का प्रोसेसर है, जैसे कि आपके पास आजकल एप्पल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर दे हैव देयर ओन प्रोसेसर विच इज़ A10 प्रोसेसर. आपके पास अगर आप एंड्रॉयड के अंदर सैमसंग के फ़ोन की बात करेंगे तो सैमसंग आजकल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को यूज़ कर रहा है. उसी तरीके से हमारे पास क्वालकॉम के प्रोसेसर्स हैं, हमारे पास मीडिया टेक के प्रोसेसर्स हैं, इंटेल के प्रोसेसर्स हैं. तो जितने भी प्रोसेसर्स आपके पास हैं हर एक प्रोसेसर का अपना अलग आर्किटेक्चर होता है. अब आर्किटेक्चर से डिफ्रेंशिएट होगा कि जो आर्किटेक्चर हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेसर्स इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करेंगे, कुछ प्रोसेसर ऐसा हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट ना करें, दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. दूसरी चीज़, उन प्रोसेसर्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हर एक इंस्ट्रक्शन का
अलग अलग एग्जीक्यूशन टाइम हो सकता है. जनरली एग्जीक्यूशन टाइम में प्रोसेसर्स इन असेंबली कोड इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ, तो असेंबली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम जो बात करता हूँ वो क्लॉक साइकिल्स की फॉर्मेट में है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैं एक एजम्पशन यहाँ पर ले रहा हूँ, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, एजम्पशन ऐसा ले रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास एक एडिशन इंस्ट्रक्शन है, एक सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन है और एक मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन है. अगर आप इन तीन इंस्ट्रक्शंस को इंटेल प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करेंगे और AMD प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करेंगे तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग क्लॉक साइकिल्स हो सकती है कि उनको अलग अलग क्लॉक साइकिल्स चाहिए टू एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन. जैसे कि एडिशन इंस्ट्रक्शन अगर इंटेल प्रोसेसर में आपने एग्जीक्यूट करी तो इसको दो क्लॉक साइकिल चाहिए, लेकिन AMD प्रोसेसर में इसको तीन क्लॉक साइकिल चाहिए. किस तरीके से डिजाइन है ये उस पर डिपेंड करता है. जस्ट फॉर इमेजिनरी पर्पजेज, जैसे कि हमारे पास अगर सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन इंटेल प्रोसेसर पर लेटर से 3 क्लॉक साइकिल्स दे रहा है लेकिन AMD प्रोसेसर पर 2 क्लॉक साइकिल्स दे रहा है. मल्टीप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन जो है इंटेल प्रोसेसर पर 4 क्लॉक साइकिल्स दे रहा है लेकिन AMD प्रोसेसर पर 5 क्लॉक साइकिल्स दे रहा है. तो हर एक जो इंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर आर्किटेक्चर, प्रोसेसर क्या इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है पहली चीज़, और जो इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी क्लॉक साइकिल्स लगती है, ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती है कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने ये वाला प्रोग्राम दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, इस पूरे प्रोग्राम को दिया एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्रोग्राम के अंदर आपने इसको दिया एक इंटेल प्रोसेसर में, लेट अस से वो आपके पास इंटेल i5 प्रोसेसर है, इंटेल का i5 आपके पास वो प्रोसेसर है. अब i5 प्रोसेसर के अंदर जब आप इस प्रोग्राम को देंगे तो वहाँ पर हो सकता है लेट अस से कि इस प्रोग्राम को उसने एग्जीक्यूट किया 20 मिली सेकेंड्स. ठीक है, अब ये जो इसने 20 मिली सेकेंड्स लिए, जस्ट फॉर एग्जम्पशन पर्पज, दिस इज नॉट एन एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम, जस्ट फॉर एग्जम्पशन पर्पज आई एम सेइंग इट इज 20 मिली सेकेंड्स. ठीक है, जनरली जो स्पीड है वो इससे काफ़ी फास्ट होती है, नैनो सेकेंड्स की तरह नैनो सेकेंड्स में वो स्पीड को मेजर करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और जो क्लॉक साइकिल्स हैं दैट इज ऑल्सो मेजर्ड इन नैनो सेकेंड्स. तो आपका जो प्रोसेसर है दैट आर जनरली वेरी वेरी फास्ट. तो यहाँ पर इसको i5 प्रोसेसर ने 20 मिली सेकेंड्स लिया, और इसको अगर मैं सेम को मैंने AMD के एथलॉन प्रोसेसर में एग्जीक्यूट किया, AMD एथलॉन प्रोसेसर में ये सेम प्रोग्राम आपके पास है लेट अस से 18 मिली सेकेंड्स. उसी तरीके से अगर मैं इसको i7 में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ या फिर आपके पास किसी हेक्सा कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हेक्सा कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर में एक्चुअली इसमें बिकॉज हमने ज़्यादा कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का यूज़ नहीं किया तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो इन सभी प्रोसेसर्स में सेम प्रोग्राम अलग अलग टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए. ऐसा हो सकता है कहीं पर यह प्रोग्राम 20 मिलीसेकंड ले रहा है, कहीं पर यह प्रोग्राम 18 मिलीसेकंड ले रहा है, कहीं पर यह प्रोग्राम लेट अस से 21 मिलीसेकंड ले रहा है. सेम प्रोग्राम अलग अलग प्रोसेसर्स में अलग अलग टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ये जो टाइम यहाँ पर ले रहा है अलग अलग प्रोसेसर्स में, ये एक्चुअली आपका हार्डवेयर का मेजरमेंट टाइम है. एक्चुअली हार्डवेयर यानी कि आपके एक्चुअल सिस्टम का मेजरमेंट टाइम है, जो कि एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड, सो बेटर मैं कहूँगा कि हमें एक मेजरमेंट चाहिए जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए. स्टैंडर्डाइज्ड ओके, यानी कि डजंट मैटर कि आप किस सिस्टम की बात कर रहे हो, डजंट मैटर आप किस हार्डवेयर की बात कर रहे हो, किसी भी तरह के सिस्टम के अंदर, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो इंटेल का सिस्टम हो, चाहे वो AMD का सिस्टम हो, चाहे वो जियोन प्रोसेसर्स हो, चाहे वो सर्वर सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम हो, हर एक प्रोग्राम के जो प्रोग्राम है वो अलग अलग प्रोसेसर्स के अंदर, अलग अलग कंप्यूटर के आर्किटेक्चर्स के अंदर, इवन तो उनके हार्डवेयर भी डिपेंड करता है कि आपके पास रैम क्या है, मेमोरी कितनी है, कैश मेमोरी कितनी है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो जब आप किसी प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें आपको अलग टाइम मिल सकता है, किसी और कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करेंगे तो अलग टाइम मिलेगा, किसी और सिस्टम में एग्जीक्यूट करोगे अलग टाइम मिलेगा. आपके पास हाई एंड कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं जहाँ पर आप प्रोग्राम को पूरे प्रोग्राम को आप कैश मेमोरी में स्टोर करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हर एक सिस्टम में आपको अलग अलग टाइम मिलेगा. तो जब मैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम की बात करता हूँ तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम सिस्टम टू सिस्टम चेंज करता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आर्किटेक्चर. एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम को एक प्राइमरी मेजरमेंट नहीं बना सकते.
ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक हाई एंड मशीन है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है जिसने आपको प्रोग्राम दिया उसके पास एक लो एंड मशीन है। समझ पा रहे हैं बात को? मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझा सकता हूँ कि एक क्लाइंट है, इसने आपको कोई प्रोग्राम करने के लिए दिया, उसके पास एक वेरी लो एंड मशीन है, लो एंड मशीन है, वो एक आज से 2004 के कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है, और आप एक हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हो टू क्रिएट द प्रोग्राम एंड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली इसके सिस्टम में ज़्यादा टाइम लेगा, है ना। तो ऐसा हो भी सकता है कि इस केस में आपको लॉस हो, यू मे हैव टू लूज द प्रोजेक्ट एंड सो ऑन, देयर माइट बी एनी रीजंस, राइट। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एनी स्टोरीज हियर। सो माई पॉइंट इज दैट योर प्रोग्राम execution time, which is the actual execution time, is not a correct measurement because it will change according to the system architecture. आप computer system को change करेंगे तो actual execution time change हो जाएगा, है ना। तो हम इसको कभी भी एक primary measurement नहीं बना सकते, it is not a primary measurement, not a primary measurement, primary measurement. हम इसको एक secondary measurement तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी एक primary measurement आप नहीं बना सकते, ठीक है। Next, लेस स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट, यानी कि कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है वो मैटर करता है। अब देखो ये जो लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट है और लेस एग्जीक्यूशन टाइम, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब मैं लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट बोलता हूँ तो देखो इसमें कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। एक देखो, एक ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपने इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 लिखा, फैक्टर इज इक्वल टू 1 लिखा, दिस इज वन स्टेटमेंट। अब ये जो फॉर लूप है इसके अंदर ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये भी एक स्टेटमेंट है। अब इस फॉर लूप में स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही हैं, जैसे कि जो पहली आपकी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपके पास सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपके पास ये वाली n प्लस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी, बिकॉज n टाइम्स तक तो कंडीशन ट्रू रहेगी और n प्लस 1th टाइम पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट n प्लस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। उसके अलावा ये जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये आपके पास n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है आपके पास, ये आपके पास n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, अगर n की जो भी वैल्यू है तो ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपके पास एक बार एग्जीक्यूट होंगे, तो काफ़ी स्टेटमेंट हैं जो आपके पास एक बार एग्जीक्यूट हो सकती हैं और काफ़ी स्टेटमेंट है जो कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी। उसी तरीके से यहाँ पर कोई स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर हम कितने रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं। आपके पास एक रिकर्सिव कॉल हो रही है तो ये वाले स्टेटमेंट टोटल एक रिकर्सिव कॉल में दोनों स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपके पास टोटल लेटर से 1000 रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं तो 1000 बार ये कंडीशन भी चेक करेंगे और 1000 बार उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये रिटर्न स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो चेंज हो सकता है, और ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये आपके प्रोग्राम की इनपुट के साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर ये जो इनपुट साइज़ है, मैंने n की जगह ले ली, वैल्यू ले ली 5, तो ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी, ये भी एक बार होगी, ये 6 बार एग्जीक्यूट होगी, 6 टाइम्स, ये स्टेटमेंट 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट्स आपके पास 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट्स आपके पास एक बार एग्जीक्यूट होगी। अगर n की वैल्यू 5 है तो स्टेटमेंट्स कम एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर n की वैल्यू आपके पास लेट अस से 100000 है तो 100000 के अकॉर्डिंग ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है वो चेंज होंगी। और एक्चुअल में जो एक्चुअल आपके पास टाइम लेता है कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, जितना भी टोटल टाइम आपने किसी प्रोग्राम लिया, तो ये जो आपका फोर्थ मेजरमेंट है विच इज़ लेस एग्जीक्यूशन टाइम, ये जो लेस एग्जीक्यूशन टाइम वाला जो मेजरमेंट है ये डिपेंड करता है इस वाले मेजरमेंट के ऊपर कि कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये आपका एक प्राइमरी मेजरमेंट नहीं है बिकॉज ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, लेकिन ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं? देखो पॉइंट नंबर 5 जो है वो आपके प्रोग्राम पर डिपेंडेंट है, ये आपके सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। अगर हमें दो प्रोग्राम को मेजर करना है तो हमें प्रोग्राम के ही डिपेंडेंट हुए के ही ऊपर जो मैट्रिसेस आप अप्लाई कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 5 है इट इज़ ए प्राइमरी मेजरमेंट, प्राइमरी मेजरमेंट, क्योंकि ये एक्चुअल प्रोग्राम को ही मेजर कर रहा है। प्रोग्राम में इनपुट के अकॉर्डिंग कितनी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट हो रही है, कितनी स्टेटमेंट चेंजेस हो रही हैं, ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पॉइंट नंबर 5 आपका एक परफेक्ट और एक प्रॉपर मेजरमेंट है जो कि आपको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि टाइम स्टेटमेंट्स को हम टाइम से कंपेयर कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट होगी उतना ही टाइम। एक्चुअली इसको हम इसको इस तरीके से भी मेज़र करते हैं बेसिकली।
जब हम इसको समझते हैं तो हमें पता है कि हर एक केस में हर एक इंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइम लेगी, और हमें एक ऐसा मेजरमेंट चाहिए जो कि एक्चुअल रनिंग टाइम से तो इंडिपेंडेंट हो. लेकिन मैं अगर ऐसा इमेजिन करता हूँ कि एक स्टेटमेंट एक यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए लेगा, इफ़ आई इमेजिन वन स्टेटमेंट विल टेक वन यूनिट टाइम टू एग्जीक्यूट, तो उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, यानी कि जिसमें कम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो कम यूनिट ऑफ टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए. तो ये एक इसको हम टाइम से भी कंपेयर कर सकते हैं कि कम स्टेटमेंट यानी कि कम टाइम, ज़्यादा स्टेटमेंट यानी कि ज़्यादा टाइम, कम स्टेटमेंट कम टाइम, ज़्यादा स्टेटमेंट ज़्यादा टाइम. तो ये जो एक मेजरमेंट है इसको हम बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब एनालिसिस हम करेंगे तो उसमें हम लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट को ही मेजर करने वाले हैं, और जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम में एग्जीक्यूशन करने के लिए उस प्रोग्राम को जितना स्पेस चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो उसको बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, तो लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सन साइज कि आप कैसा परसीव करते हैं. एक लड़की आ रही हैं, लेटर से दो लड़कियाँ आ रही हैं, वन इज़ वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स, वन इज़ वियरिंग इंडियन क्लॉथ्स, तो मुझे कौन सी लड़की अच्छी लगेगी वो मेरी थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना. तो आई माइट लाइक अ गर्ल जो कि वेस्टर्न क्लॉथ्स में है, आई माइट फाइंड हर मोर अट्रैक्टिव. उसी तरीके से आई माइट लाइक अ गर्ल जो कि ट्रेडिशनल क्लॉथ्स में है, आई माइट फाइंड हर मोर क्यूट और समथिंग लाइक. तो ये जो ब्यूटीफुल वाला जो मेजरमेंट है ना, ये एक्चुअली डिपेंड होगा आपके वे ऑफ परसेप्शन पे, आप किस तरह से देखते हैं. तो जो ब्यूटीफुल है ये कभी मेजरमेंट नहीं है, तो इसको मैं जस्ट फॉर जोक मैंने इसको यहाँ पर लिखा था, तो हम इसको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे. बट इन एनी वे, तो यहाँ पर जो दो पूरे एनालिसिस के बाद हमें जो दो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट लगे वो लगे हमारे पास लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस प्रोग्राम को कम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी पड़े वो प्रोग्राम बेटर हो सकता है. समझ में आया? फिर से सुनिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एल्गोरिथम लिखेंगे. जो एल्गोरिथम लिखा, एल्गोरिथम्स का मतलब है क्या क्या स्टेप्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब जिस एल्गोरिथम में हमें कम स्टेप्स लेने पड़े वो एल्गोरिथम बेटर है. करेक्ट, जैसे कि यहाँ पर है कि जिस एल्गोरिथम में लेस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, यानी कि लेस स्टेप्स लेने पड़े, वो एल्गोरिथम हमारी बेटर है. दूसरा, जिस एल्गोरिथम में रनिंग में हमें कम टाइम लगे, कम स्पेस चाहिए रन करने के लिए, वो एल्गोरिथम बेटर है. दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा बोलेंगे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो ये एक मीनिंग है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का, कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करते क्यों हैं या फिर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों करते हैं. ये दोनों चीज़ें जब आपको समझ में आएगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब है, तब आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं. और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर. ठीक है, अब देखो, अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या है कि इस टॉपिक से मैं थोड़ा सा भी अलग जाना पड़ेगा, कि ये टॉपिक जो है एक टेक्निकली जो मैं बताना चाहता था वो मैंने आपको यहाँ पर. टॉपिक में हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, तो जैसे कि इसमें एक और मैं भी प्रोग्राम लिखूंगा, एक और बहुत ही ईजी प्रोग्राम होगा फिबोनाची ऑफ नंबर का. तो फिबोनाची ऑफ नंबर से हम ये चेक करेंगे कि किसी फंक्शन का रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ से हम मेज़र करेंगे कि कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं. कुछ प्रोग्राम्स जो है वो छोटे इनपुट के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसे एक्सट्रीमली कि वाओ दिस प्रोग्राम इज सो गुड. लेकिन अगर हमने बड़ा इनपुट दिया तो वो जो प्रोग्राम है वो बहुत ही डिफरेंट परफॉर्म करेगा, यानी कि बहुत ही अलग परफॉर्म करेगा. तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन से डिपेंड करता, वो एक मेजरमेंट है जो कि हमें जानना समझना ज़रूरी है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है, और एक्चुअल में रेट ऑफ ग्रोथ है क्या. पहले तो ये समझते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ है क्या, फिर ये समझेंगे कि उससे हम कैसे नोटेशंस हम यूज़ करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन होती क्या है. तो अगला जो हमारा जैसे मेजरमेंट है वो है हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन. तो हमें समझना है पहले कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, एक सिंपल सा आपको एक मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ. जैसे कि मैंने बोला फिबोनाची सीरीज़ यानी कि फिबोनाची ऑफ अ नंबर. ठीक है, अब जो फिबोनाची सीरीज़ है होता क्या है पहले तो ये समझो, और फिर समझो कि इसके प्रोग्राम्स क्या क्या पॉसिबल है. अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है,
जैसे कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर n एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फिबोनाची ऑफ द नंबर n. तो यानी कि नंबर n को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर मैं उसका फिबोनाची लिखने वाला हूँ. जैसे कि नंबर है n है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है, दो चीज़ें फिक्स्ड हैं, फिबोनाची ऑफ 0 इज 0 एंड फिबोनाची ऑफ 1 इज 1. सिर्फ ये दो चीज़ें हमारे पास है ऑलरेडी फिक्स्ड हैं. जब फिबोनाची ऑफ नंबर की बात करता हूँ, फिबोनाची ऑफ अ नंबर n is 0 if n is equal to 0, it is 1 if n equal to 1, or it is Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2 otherwise. तो ये आपके Fibonacci of a number है. ठीक है, अब देखो Fibonacci of 0, 0 होता है, Fibonacci of 1, 1 होता है. Fibonacci of 2 क्या होगा, 0 plus 1, that is 1. तो यानि कि पिछले दो sums numbers का sum. Fibonacci of 3 होगा 1 plus 1, that is 2. Fibonacci of 4 plus होगा, 4 होगा 1 plus 2, that is 3. Fibonacci of 5 होगा 2 plus 3, that is 5. Fibonacci of 6 होगा 3 plus 5, that is 8. Fibonacci of 7 होगा 5 plus 8, that is 13. तो ये होगा हमारा फिबोनाची ऑफ नंबर. तो इस तरीके से फिबोनाची ऑफ नंबर निकालते हैं. अब फिबोनाची ऑफ नंबर को निकालने के लिए आपके पास अलग अलग तरह के आप प्रोग्राम्स यहाँ पर लिख सकते हैं. जैसे कि एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं लिखूँगा, रिकर्सिव फंक्शन. तो दो प्रोग्राम लिखूँगा यहाँ पर, एक रिकर्सिव, दूसरा होगा नॉन रिकर्सिव. तो रिकर्सिव प्रोग्राम लिखेंगे फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज़ एन, इट इज़ इफ एन इक्वल टू ज़ीरो then return 0, if n equal to 1 then return 1, else return Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2. तो ये आपके पास एक recursive program है to find the Fibonacci of a number. So basically इसी mathematical definition के ऊपर ये recursive program हमने लिखा है. इसके अलावा हम एक non-recursive program भी लिख सकते हैं. तो non-recursive program कैसे होगा, देखो integer fibo of integer n, हम लेंगे integer previous which is 0, next which is 1, or make it integer current which is 1, and then we'll take next and I. तो अपने वेरिएबल लिए इंटीजर प्रीवियस, करंट, नेक्स्ट एंड आई. अब हमें जिस भी नंबर का फिबोनाची निकालना है, हम देखो हमने क्या किया कि इस वैल्यू को हमने मान लिया प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस का फिबोनाची कितना होता है हमारे पास 0. इस वैल्यू के लिए हमने बना दिया 1, यानी करंट फिबोनाची हो गया हमारे पास 1. अब हमें कोई भी नंबर का फिबोनाची चाहिए, लेट अस से वो नंबर 1 का फिबोनाची चाहिए, नंबर 2 का फिबोनाची चाहिए, तो हम 0 प्लस 1 के फिबोनाची को ऐड कर देंगे. तो 0 प्लस 1 1 आएगा. नंबर 3 का फिबोनाची के लिए 1 प्लस 1 2 आएगा, इस तरीके से. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम एक फॉर लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, यानी कि 2 से बड़ा. अगर लेट अस से हमें फिबोनाची ऑफ 6 चाहिए तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 6. तो हम लेंगे i को यहाँ से कैलकुलेट करते जाएंगे आगे तक. ठीक है, तो हम बोलेंगे i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, करंट मेक इट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस करंट, एंड देन प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, एंड देन करंट equal to next, like this. In the last, we are going to return next. तो जो next है वो फिबोनाची of this number को store करेगा. I hope आपको ये program समझ में आया होगा. मैं फिर भी बता देता हूँ, हमने imagine किया कि ये है हमारे पास previous, that is 0 is previous, और ये आपके पास current. फिबोनाची of 2 क्या होगा, that is next is
previous plus current, yani ki 1 plus 0 is 1. Fir hum in current aur previous dono ko change karenge. Ab next time ye ho jayega ki ye hamara ho jayega previous aur ye ho jayega hamara current, kyunki yahan par har bar calculate karne ke baad hum dono ko change kar rahe hain. Next time hum 1 plus 1 yani ki 2 ko nikalenge, hamara next ho jayega. Fir next time dobara se ab ye ho jayega previous, ye ho jayega current, aur fir hum next ko nikalenge and so on. To is tarike se hum aage badhte chale jayenge is program ki help se. ये प्रोग्राम आपका एक नॉन रिकर्सिव फंक्शन है और ये प्रोग्राम आपका एक रिकर्सिव फंक्शन है. अब ध्यान दो, अगर मुझे फिबोनाची 5 को निकालना है तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. n की वैल्यू अगर 5 है, इफ़ n जो है वो 5 है तो कितनी होगी. तो पहले ध्यान दो कि यहाँ पर टोटल कितने स्टेटमेंट्स हैं. अब देखो जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो काफ़ी सब्जेक्टिव भी हो सकती है, बट इतना इमेजिन करो लेट अस से कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है. मैं सिंपलिसिटी पर्पज़ के लिए इसको पूरे को एक ही स्टेटमेंट एज्यूम कर रहा हूँ. तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, दिस इज़ वन, ठीक है. तो ये हमेशा जब भी आपके पास n के कुछ भी वैल्यू हो, चाहे वो 1000 हो, 1 लाख हो, 10 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी वैल्यू है, ये वाले स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है. अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपके पास एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, दिस विल ओनली एग्जीक्यूट वन टाइम. ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी वो चेंज होगा, क्योंकि हम 2 से लेकर n तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी n माइनस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है. ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी n माइनस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट, एक्चुअली इसे n माइनस 2 या n माइनस 1 कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादा एक मतलब बेसिकली इसको आप ऐसा समझो कि आपके पास आपने एक कार खरीदा और आपने एक बाइसिकल खरीदी, तो कार की जो कॉस्ट थी वो थी आपकी लेट अस से 40 लाख्स, एंड बाइसिकल की जो कॉस्ट थी वो आपकी 2000 रुपीस. तो जब आपसे पूछा कि आपने टोटल कितने का ख़रीदा, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे 40 लाख्स 2000, आप उसको बोलोगे कि मैंने 40 लाख्स से ख़रीदा, है ना. तो यहाँ पर इस वजह से जो n के अकॉर्डिंग जो n माइनस 1 प्लस 1 जो है ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो अगर प्लस माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए तो आप इग्नोर कर सकते हैं. बट यहाँ पर n माइनस 1 मैं ले रहा हूँ, इसको आप चाहे हो तो n माइनस 2 भी इमेजिन कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है. तो n माइनस 1 भी ले सकते हैं, n माइनस 2 भी ले सकते हैं, जिस स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है. बट अगर मैं एक्चुअल में बताऊँ कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये होगा एक बार, ये वाली स्टेटमेंट होगी n माइनस 1 टाइम्स, ये हर बार इंक्रीज होगा, ठीक है. जैसे कि अगर i की वैल्यू 2 है तो उस समय पर इंक्रीज होगा, जब i की वैल्यू 3 होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू 4 होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, जब i की वैल्यू n होगी तब भी एग्जीक्यूट होगा, है ना. और उस समय पर फिर इस कंडीशन को हम चेक करेंगे. तो ये जो कंडीशन हमेशा इससे एक बार ज़्यादा एग्जीक्यूट होगा, तो रफली इट इज़ n माइनस 2 टाइम्स, ठीक है. अब ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये अगेन आपके पास n माइनस 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी, और ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आपके पास एक बार एग्जीक्यूट. तो रफली, आई एम नॉट सेइंग इट करेक्टली, रफली तो कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये वाली एक बार 1 प्लस, ये वाले भी एक बार प्लस, ये वाले स्टेटमेंट n माइनस 1 टाइम्स प्लस, ये वाले स्टेटमेंट n माइनस 2 टाइम्स प्लस, ये वाले स्टेटमेंट्स तीन स्टेटमेंट है तो दैट इज 3 इंटू n माइनस 2 टाइम्स प्लस, ये वाले स्टेटमेंट एक बार. तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस 3n माइनस 6 प्लस 1. तो डिलीट कर लीजिए, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5n माइनस 6 स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी. अब जैसे कि अगर मैंने बोला कि n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, तो अगर n की वैल्यू 5 है तो टोटल कितनी स्टेटमेंट हुई, 5 इंटू 5 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 30 माइनस 6 विच इज़ 24. तो यहाँ पर 24 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो n की वैल्यू है, लेट n इज इक्वल टू 1000, यानी कि n एक 1000 एक वैल्यू है n की. अगर n की वैल्यू 1000 है, छोटी वैल्यू लेते हैं, n की वैल्यू अगर 20 है तो कितनी बार होगा, इफ़ n इज इक्वल टू 20, तो ये जो इसको अगर हम एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दैट इज f ऑफ n, तो f ऑफ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 5 इंटू 20 माइनस 6 विच इज 100 माइनस 6 विच इज़ अगेन 94. तो यहाँ पर 94 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, है ना. उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ n की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो फंक्शन हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू 5 इंटू 30 माइनस 6 विच इज़ अगेन 150 माइनस 6
विच इज़ 144. तो इतनी स्टेटमेंट्स आपके पास एग्जीक्यूट होंगे. तो अब ये बता सकते हैं कि एक्चुअल में कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है. लेकिन अगर इस वाले केस को आप लें, इस वाले केस को लें, तो क्या होगा, ये एक बार होगा जब भी एक रिकर्सिव कॉल होगी. एक रिकर्सिव कॉल, समझ आ रहे हैं, जैसे कि अगर एन जो है वो एक ही, अगर एक ही कॉल होगी तो ये वाली एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट भी एक बार एग्जीक्यूट होगी कंपैरिजन के लिए. अगर ट्रू है तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं. सिंपलिसिटी के लिए मैं बस ये इमेजिन कर रहा हूँ कि ये हमारी एक पूरी स्टेटमेंट है. रफली एक्चुअली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, इफ कंडीशन और उसके आगे वाले स्टेटमेंट. तो दो चीज़ों को, दो स्टेटमेंट मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, सिंपलिसिटी के लिए इमेजिन कर रहा हूँ, ये एक बार और ये एक बार. अब यहाँ पर कितनी होगी और यहाँ पर कितनी होगी वो डिपेंड करता है, ये दोनों डिपेंड करते हैं. कितनी होगी इसको मैं एक एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपको. देखो, अगर मैं फिबोनाची ऑफ 5 कॉल करता हूँ इस केस में, जैसे कि यहाँ पर फिबोनाची 5 कॉल करेंगे तो हमारे पास टोटल 24 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. यहाँ पर कितनी होगी, देखो हमने बोला फिबोनाची ऑफ 5, ठीक है. फिबोनाची ऑफ 5 के केस में पहले हम कॉल करेंगे, देखो फिबोनाची 5 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, दिस इज एक्चुअली 2, सो दिस स्मॉल मिस्टेक. सो दिस इज फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, तो होगा फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, फिबोनाची ऑफ 4 के लिए क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2. फिबोनाची ऑफ 3 के केस में क्या होगा, इट इज फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1. ऐसी फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, दैट इज फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0. अब फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है 1, फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू हमें पता है 0, इसकी वैल्यू हमें पता है 1. फिबोनाची ऑफ 2 के केस में हमारे पास होगा फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, ठीक है. इस केस में फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 2 केस में फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, यानी कि इतनी सारे रिकर्सिव कॉल्स होंगे. इसके लिए हमें पता है 1, इसके हमें पता है 0, इसके हमें पता है 1, इसकी 0 और इसकी 1. तो हर एक केस में हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है. अब देखो, जब मैंने फिबोनाची दोनों फंक्शंस को अगर कंपेयर करते हैं, रफली अगर मैं कंपैरिजन में लेके आता हूँ, ठीक है, तो दोनों हम इसमें फैक्टोरियल वाले दोनों प्रोग्राम्स को एक्चुअली मेज़र कर रहे हैं हम लोग. एक है हमारे पास रिकर्सिव प्रोग्राम और दूसरा है हमारे पास नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम, ठीक है. अब जैसे कि पूरा नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है, मैंने बोला कि इसमें कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है टोटल, जो टोटल हो रही है वो 5n-6, तो हमारे पास हो रही है यहाँ पर टोटल 5n-6 स्टेटमेंट्स. इसके लिए अभी मुझे नहीं पता, इस फॉर्मूले को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. देखो ये फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करना ईजी भी है, ईजी एक्चुअली मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, मैं इसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है. तो क्योंकि अभी मैंने वो आपको रिकर्शन जो कैलकुलेट करना वो अब तक मैंने आपको बताया नहीं है. तो इस केस में क्या होगा कि जब अगर मैं मुझे n इज इक्वल टू n की वैल्यू 0 है, अगर n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर कितनी होगी. अगर n की वैल्यू 0 है तो इस पूरे फंक्शन में पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आपका काम फिनिश, तो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी. अगर n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट होगी, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है. एक्चुअली नेक्स्ट को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, उस केस में नेक्स्ट इज इक्वल टू एक और स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट प्लस प्रीवियस प्लस करंट, इस प्रीवियस प्लस करंट आप बाहर भी ले सकते हैं. बेसिकली मेरे कहने का मतलब है एक कंडीशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि इफ एन इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0. तो एक सिंपल कंडीशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इफ एन इज इक्वल टू 0 देन, यहाँ पर इस फॉर लूप से पहले आप पुट करेंगे, इफ एन इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0, इफ n is equal to 1 then return 1, else आप इस पूरे को execute कीजिए, else आप इसको बनाइए, ये for loop को बनाइए और उसके अंदर execute कीजिए. इस for loop से पहले मैं statement को लिख सकता हूँ, तो इस for loop को हम else में भी डाल सकते हैं. बट anyways, तो ये थोड़ा easy हो जाएगा करना. तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो इस केस में भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी,
ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दूसरी स्टेटमेंट भी, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और यहाँ पर कितनी होंगी हमारे पास, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, तो यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, सॉरी 2 है तो क्या होगा। अब देखो अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, इस केस में हमारे पास एक रिकर्सिव कॉल होगी इतनी वाली, सिर्फ इतनी ही रिकर्सिव कॉल होगी, इस केस में हमारे पास इतनी रिकर्सिव कॉल्स होंगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 है उस केस में, तो ये कितनी रिकर्सिव कॉल्स है हमारे पास, सिंपल आप इसको चेक कर सकते हो कि फिबोनाची ऑफ 2 के केस में यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों एग्जीक्यूट होंगी, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होंगी, 1 एग्जीक्यूट होंगी, 2 एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी। तो रफली आप कह सकते हो, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा, काफ़ी बच्चे कमेंट कर सकते हैं जिसको टॉपिक पता है कि मे बी कुछ अलग है पढ़ा रहा हूँ मैं, बट जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ऐसा है कि मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये समझो कि एक मैं नेव परस्पेक्टिव से समझा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो। मैंने इमेजिन किया है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने, आपको कुछ भी नहीं आता, तो एक नेव परस्पेक्टिव से समझाऊंगा। तो अभी मैं आपको असिम्प्टोटिक नोटेशंस, अगर आपको पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट थोड़ा समझने की कोशिश करो उन बच्चों के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसे परस्पेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको समझ में आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा, हम करते क्यों हैं। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इसमें हमारे पास 3 फंक्शन कॉल्स होंगी एक्चुअली, पहली n फिबो 2 की फंक्शन कॉल, फिर फिबो 1 की फंक्शन कॉल और फिर फिबो 0 की फंक्शन कॉल। फिबो 2 की फंक्शन कॉल में स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों फेल होंगी, तो ये दो स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 की एग्जीक्यूट होगी। फिर तीसरी स्टेटमेंट जब ये वाली एग्जीक्यूट होगी, इसके अंदर पहली ये फंक्शन कॉल होगी फिबो 1 की, इसके अंदर भी पहली स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और फिर ये दूसरी फंक्शन कॉल होगी, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो रफली आपके पास कह सकते हो कि 5 के आसपास, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ एग्जैक्ट नंबर, इट्स एन अप्रॉक्सीमेट नंबर जो कि एक एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके काफ़ी क्लोज है। तो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो हमारे पास रफली 5 के आसपास होंगी, यहाँ पर इसके आसपास होंगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट होगी, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 विच इज़ अगेन इक्वल टू, एक्चुअली 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 प्लस, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप कह सकते हो कि प्लस 2 भी आप यहाँ पर कह सकते हो, तो विच इज़ अगेन इक्वल टू 6 स्टेटमेंट, यहाँ पर रफली 6 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, आप ऐसा कह सकते हो रफली। ठीक है, एक्चुअली मैंने क्या किया, 5n माइनस 6 किया, तो इसके अंदर ये दो स्टेटमेंट्स और जोड़ दी, प्लस 2 कर दिया इसके अंदर, तो ये इतनी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है तो उस केस में क्या होगा। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है, इस केस में जब रिकर्सिव की फंक्शन को, तो पहले तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई 1, ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई 1 प्लस, फिर जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिबो ऑफ n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी कि फिबो ऑफ 2 में कितनी कॉल्स हुई थी 5 प्लस, फिबो ऑफ n माइनस 2 यानी कि फिबो ऑफ 1 में कितनी स्टेटमेंट हुई थी 2, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास रफली 9 स्टेटमेंट्स आपके पास हो जाएगी। इस केस में कितनी स्टेटमेंट होगी, दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 विच इज़ अगेन इक्वल टू 11 स्टेटमेंट, तो यहाँ पर 11 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। अब देखो अगर n की वैल्यू लेता हूँ मैं 4, n की वैल्यू 4 में पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट प्लस 3 में कितनी हुई थी, प्लस 2 में कितनी हुई थी, तो रफली कितना हो गया हमारे पास, कितनी स्टेटमेंट्स होंगी, ये होगी 16 स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कितनी होंगी, दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 16 स्टेटमेंट, तो यहाँ पर भी 16 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर मैं n की वैल्यू 5 लेता हूँ तो यहाँ पर कितनी होगी, 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 9, ठीक है ना, 16 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितनी होगी हमारे पास टोटल 27। इस केस में कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 4 इज 21। ऐसे ही n की वैल्यू आप 6 लो, n की वैल्यू 7 हो, n की वैल्यू 8 लो एंड सो ऑन, तो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि इस रिकर्सिव प्रोग्राम के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रही है इस प्रोग्राम के अंदर। देखो इसको एक ग्राफ की प्लॉटिंग की तरीके से मैं आपको एक समझाता हूँ कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो
तो इसको ऐसे समझो, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ है ऐसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन यानी कि इनपुट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इनपुट इज यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब n की वैल्यू हमने 0 लिया, यानी कि एक्चुअली इनपुट साइज 0 है जब हमारे पास, तो दोनों में एक स्टेटमेंट हो रही है। जब n की वैल्यू 1 है तो इस रिकर्सिव कॉल को, एक्चुअली मैं रिकर्सिव वाले को रेड पेन से शो कर रहा हूँ, तो अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये लेगा रिकर्सिव, अगर n की वैल्यू 2 है तो रिकर्सिव लेगा हमारे पास 5, जब n की वैल्यू 3 है तो रिकर्सिव लेगा हमारे पास 9, यानी कि 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर, जब n की वैल्यू 4 है तो रिकर्सिव लेगा 16, तो 4 के केस में हमारे पास लेगा 15 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि यहाँ पर, जब n की वैल्यू 5 है तो रिकर्सिव प्रोग्राम लेगा 27, तो यहाँ पर लेगा हमारे पास 27, यानी कि यहाँ पर कहीं पर आएगा हमारे पास 27, ठीक है। जब n की वैल्यू 6 होगी तो रिकर्सिव कितना लेगा, 27 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, 27 प्लस 16 प्लस 2 ये हो जाएगा 13, 1, 43। तो अगर n की वैल्यू 6 है हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारा लगभग यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँगा तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, देखो समझ रहे हो कैसा जा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास वैल्यू 6 को, ये कर रहा है रिप्रेजेंट वैल्यू 5 को, ये 4 को, ये 3 को, ये 2 को, ये 1 को, तो ग्राफ जो है वो इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये किस केस में जा रहा है, इन केस ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम, इन केस ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम की हेल्प से शो करता हूँ, यानी कि ये वाला जो हमारा नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है, इस केस में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, जब n की वैल्यू 1 है तो इसमें दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, यानी कि यहाँ पर नॉन रिकर्सिव इसी के ऊपर आता है, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 6 हो रही है, तो n की वैल्यू 1 में यहाँ पर है, 2 पे यहाँ पर 6 हो रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीवियस केस से। प्रीवियस केस में हमारे पास यहाँ पर था 5 के आसपास, और अब जो केस बना है वो हमारे पास 6 के आसपास पहुँच गया यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, 5 से यानी कि थोड़ा सा 5 से ऊपर, ठीक है। जब n की वैल्यू हमारे पास 3 हुई तो यहाँ पर हुई 11 स्टेटमेंट्स, तो n की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ पर हुई 11 स्टेटमेंट, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, 10 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि उस वाले ग्राफ से ऊपर, ठीक है। जब n की वैल्यू 4 हुई तो दोनों में 16 स्टेटमेंट, तो n की वैल्यू 4 तो यहाँ पर भी 16 स्टेटमेंट। जब n की वैल्यू 5 हुई तो वहाँ हुई 21 स्टेटमेंट्स, तो 5 के केस में हमारे पास 21 स्टेटमेंट्स, यानी कि यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर 5 के केस में। जब n की वैल्यू हमारे पास 6 होंगी तो यहाँ पर कितनी होगी, दैट इज 5 इंटू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 26। तो n की वैल्यू अगर 6 है तो वहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास लगभग कुछ 26 आसपास इसके। जब आप उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के फॉर्म में तो ये कैसे जाएगा, ऐसे ये जा रहा है हमारे पास नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम, ठीक है। तो हम क्या दिखा रहे हैं, जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है रिकर्सिव प्रोग्राम में, जितना n की वैल्यू बढ़ेगी वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और जितनी n की वैल्यू हमारे पास नहीं बढ़ रही, जैसे सो रिकर्सिव प्रोग्राम में जितनी n की वैल्यू बढ़ेगी वो उससे कम ग्रो कर रहा है। तो ये जो रिकर्सिव प्रोग्राम ऊपर क्यों गया, इससे ऊपर क्यों गया, बिकॉज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेटमेंट्स, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन रिकर्सिव प्रोग्राम इज वेरी हाई एज कंपेयर टू नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम, यानी कि नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम के कंपैरिजन में जो रिकर्सिव प्रोग्राम में जितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं वो बहुत हाई है। तो रिकर्सिव प्रोग्राम के नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स नॉन रिकर्सिव से बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगी।
कुछ एक ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप n की वैल्यू, आप इसको इमेजिन करो, अगर n की वैल्यू लेटर से 20 हो जाए, n की वैल्यू 30 हो जाए, तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा वो कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। तो ये जो है, ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर जा रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जो हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है यहाँ पर, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जो नॉन रिकर्सिव फंक्शन है ये हमारा लीनियरली ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर लीनियर ग्रोथ है, ठीक है, तो लीनियर ग्रोथ है। तो जब भी आप दो प्रोग्राम्स को मेज़र करेंगे कि दोनों में से कौन सा प्रोग्राम बेटर है, उस केस में हम बेसिकली जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को मेज़र करते हैं उसको चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन क्या है। कि अगर आपके पास दो फंक्शंस के अंदर आपको पता है कि कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, पहले में कितनी एग्जीक्यूट हो रही हैं, दूसरे में कितनी एग्जीक्यूट हो रही हैं, जब दोनों फंक्शन में आपको पता है कि रेट ऑफ ग्रोथ किसका ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो इस रिकर्सिव प्रोग्राम में जितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है इसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो हम बेसिकली क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है बड़े इनपुट के लिए इट विल परफॉर्म वर्स्ट एज कम्पेयर टू दिस प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एज कम्पेयर टू दिस। तो ये बुरा है, ये अच्छा है, आप क्लियरली इस ग्राफ से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब आपको आगे पता होना चाहिए कि रेट ऑफ ग्रोथ आपको मेज़र कैसे करते हैं। जनरली रेट ऑफ ग्रोथ को मेज़र करने का जो टॉपिक है ये एक मैथमेटिकल टॉपिक है। इस मैथमेटिकल टॉपिक को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके सारी परेशानियां, दिक्कतें, आपत्ति, विपत्ति सब दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि रेट ऑफ ग्रोथ कैसे मेज़र करते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप एक बुक उठाएंगे केनेथ एच रॉजन विच इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक, आप कोई भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक उठा लीजिए, उसमें आपको चैप्टर मिल जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन, जिसको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो वहाँ से उस चैप्टर को आप पढ़ो और दोबारा से वापस आओ तो यहाँ पर समझ जाएंगे। लेकिन अब मैं अभी इसको रब करके आपको बताता हूँ कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन को आप कैसे मेज़र करते हैं और कौन सा से हमारे पास नोटेशन है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन को मेज़र करने के लिए, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन, यानी कि कोई फंक्शन किस रेट से ग्रो करता है, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने कोई फंक्शन लिया, मैथमेटिकल फंक्शन f ऑफ n इज इक्वल टू 3n प्लस 100, एक और फंक्शन है मेरे पास g ऑफ n इज इक्वल टू लेट अस से n स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आप कह सकते हैं लेट अस से f ऑफ n इज इक्वल टू 3n प्लस 1000 और gn इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन किस रेट से ग्रो कर रहा है ना। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए फंक्शन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब देखो दिस इज n, दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ n, दिस इज द वैल्यू ऑफ g ऑफ n, n f of n और g of n। अब यहाँ पर जब n की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो f n की वैल्यू होगी हमारे पास 1003, g n की वैल्यू होगी आपके पास 1। जब n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो f n की वैल्यू होगी आपके पास 1006 और g n की वैल्यू होगी आपके पास 4। जब n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो f n की वैल्यू होगी 1009 और g n की वैल्यू होगी आपके पास 9। उसी तरीके से जब आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, लेट अस से n की वैल्यू आपके पास इस समय पर 10 है, अगर n की वैल्यू 10 है तो fn की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1030 और gn की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 100। और ग्रो कीजिए, और ग्रो करेंगे, अब इमेजिन करो n f of जो n की जो वैल्यू है आपके पास वो है आपके पास 50, तो 50 के केस में fn की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 1150, यानी कि 1150, 50, राइट। सो इट इज़ 3 × 5 इज 150 एंड इट इज़ 1000, तो हो जाएगा हमारे पास 1150। और जो जी एन की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 2500। ऐसे अगर आप और ग्रो करेंगे, अगर n की वैल्यू आप 100 लेते हैं तो एफ एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 1300, लेकिन जो जी एन की वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 10000। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि जो जी एन है वो एफ एन से ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे तो ये अगर आपके पास एफ एन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग
द फंक्शन एफ एन. तो ये जो है देखो इनिशियली क्या है कि एफ एन की जो वैल्यू है वो जी एन से काफ़ी बड़ी है, लेकिन बाद में जी एन की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो रही है. तो ऐसा हो सकता है कि जी एन इनिशियली छोटा हो लेकिन बाद में जी एन इज़ ग्रोइंग एट सच ए पेस कि वो एफ एन से ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर जाए. तो दिस रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू एन एंड दिस रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन वैल्यू. तो क्लियरली आप कह सकते हो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जी एन, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जी एन इज मच हायर, इज मच हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एफ एन. तो जी एन की रेट जो ऑफ ग्रोथ है वो जी एन की रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो एफ एन की रेट ऑफ ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा है. अब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन को मेज़र करने के लिए हमने एक्चुअली तीन मैट्रिसेस यहाँ पर बनाए हुए हैं. जो सबसे पहला मैट्रिक्स हमने बनाया है वो है हमारे पास बिग ओ, दूसरा जो हमने बनाया है वो है हमारे पास बिग ओमेगा जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो तीसरा जो मैट्रिक्स हमने बनाया है वो है बिग थीटा. बिग थीटा यानी कि इसको हम थीटा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो बिग ओ को हम एक्चुअली कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ओमेगा को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बिग थीटा को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. अभी जितने भी तीनों हैं आपके पास जो नोटेशंस, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा, ये जो तीनों नोटेशंस हैं इस तरह से एक्चुअली इनके और भी वेरियंट्स अवेलेबल है, बट हमें बाकी सभी वेरियंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन्हीं तीन वेरियंट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस. तो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस टू मेज़र द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन, कि कोई फंक्शन कितनी रेट से ग्रो कर रहा है. अब जो हमारे पास पिग ओ नोटेशन है ये देता है हमें अपर बाउंड, और जो बिग ओमेगा रोटेशन है ये देता है हमें लोअर बाउंड, और जो बिग थीटा है ये एक तरीके से आप कह सकते हो ये ओवरऑल देता है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड का एक तरह से कॉम्बिनेशन है जो बिग थीटा रोटेशन होगा. लेकिन हम बिग थीटा को अभी एनालाइज करेंगे एक्चुअल में कि ये है क्या. तो बिग थीटा जो है वो थोड़ा सा बिग ओ और बिग ओमेगा से अलग है. अब ध्यान दीजिए मेरे पास कुछ फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है. अब अगर मैं कह सकता हूँ इफ एफ एन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, देन वी से दैट एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, ठीक है. तो ये जो केस हो गया, ये जो डेफिनेशन है ये वाली, ये डेफिनेशन आपकी बिग ओ की, ये डेफिनेशन हो गया आपकी बिग ओ नोटेशन की, ठीक है. अब अगर मैं ऐसा कहता हूं इफ एफ एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी डॉट जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, देन वी से दैट एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन, एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन. ये जो आपके पास नोटेशन है दिस इज द नोटेशन फॉर बिग ओमेगा, ये आपकी डेफिनेशन हो गई बिग ओमेगा की. उसी तरीके से अगर मैं ऐसा बोलूँ इफ C1 dot Gn is less than or equal to Fn, which is less than or equal to C2 dot Gn for all n greater than n naught and n greater than n1, then we say that Fn is theta of Gn. Then we say that Fn is theta of Gn. तो ये जो केस हुआ हमारे पास, ये केस है हमारे पास बिग थीटा नोटेशन का. दिस इज द केस ऑफ बिग थीटा नोटेशन, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास बिग ओमेगा, बिग ओ, बिग ओमेगा
और ये हो गया हमारे पास बिग थीटा नोटेशन, करेक्ट। अब ये जो बिग ओमेगा नोटेशन है, एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है और इसमें जो वेरिएबल्स हमने लिए हैं ये है क्या? जैसे कि देखो यहाँ पर हमने सी यहाँ पर लिया है, सी हमने यहाँ पर भी लिया है और यहाँ पर हमने एक्चुअली सी वन और सी टू दो वेरिएबल्स लिए हैं। तो यहाँ पर सी सी वन सी टू ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्स्टेंट्स and what is this n naught? N naught is actually this point, this is presenting the point n naught. अब ये n naught point actually में होता क्या है, ये कैसे grow करता है, मैं इन तीनों किस्से में इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो हमने जो graph लिया था, ये मैं उसी graph को यहाँ पर ले रहा हूँ, some random functions, if this is representing the function fn and this is representing the function gn and this is some point n naught, this is some point n naught, ठीक है। यहाँ से आपका n grow कर रहा है और यहाँ से इन दोनों functions की value grow कर रही है और gn को I have multiplied with some constant c। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि इस n naught point से पहले ऐसा हो सकता है कि कभी fn बड़ा है और ऐसा हो सकता है कि कभी gn बड़ा, यानी कि इनकी जो वैल्यूज़ है दे कैन फ्लक्चुएट। नाउ बिफोर दिस पॉइंट देयर वैल्यूज़ कैन फ्लक्चुएट, ऐसा हो सकता है कभी fn बड़ा है और कभी gn बड़ा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद हमेशा जो फंक्शन gn है वो हमेशा fn से बड़ा होगा और ये जो फंक्शन gn है ये हमें देगा अपर बाउंड। तो ये केस जो है हमारा बिग ओ नोटेशन का केस है। देखो n नॉट पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है और इस कॉन्स्टेंट c की सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है इस केस में। इमेजिन करो कि ये आपके पास है फंक्शन fn एन विच इज़ 100n प्लस 1000 और ये फंक्शन है आपके पास gn एन विच इज़ रिप्रेजेंटिंग 2 raised to power n। तो हमने fn ले लिया और gn ले लिया, एक्चुअली इसको सिंपलिसिटी के लिए 100 प्लस 100 लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझना और आसान हो जाए, अदरवाइज वैसे 1000 पे भी करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। अब देखो मैं कांस्टेंट सी की बात करूँगा, ठीक है, ये वैल्यू है fn, ये है fn, यहाँ पर देखो हमने कांस्टेंट सी से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये हमारे पास सी डॉट जी एन वेयर सी इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट हो जाएगा c डॉट जी एन वेयर c इज इक्वल टू 10, नेक्स्ट c डॉट जी एन वेयर c इज इक्वल टू एज्यूम 0.5, ठीक है। इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज के लिए इसको ले लो आप 100, ठीक है। तो c इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यूज कुछ भी एक फिक्स वैल्यू आप इसकी इमेजिन कर सकते हो। अब ये वैल्यू है n की, अगर n की वैल्यू 1 है तो उस केस में एफ एन की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 100 प्लस 100 सो इट इज 200। अगर एन की वैल्यू 2 है तो एफ एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 300, अगर एन की वैल्यू 3 है तो एफ एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास 400, एन की वैल्यू 5 तो एफ एन की वैल्यू 500। उसी तरीके से एन की वैल्यू 10 तो एफ एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, एफ एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1100। ऐसे ही अगर लेटर से n की वैल्यू है हमारे पास 20 तो 20 के केस में fn की वैल्यू कितनी होगी, fn विल बी 2000 प्लस 100 दैट इज 2100, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू लेता हूँ 100, n की वैल्यू तो मैं 100 तो हमारे पास जो फंक्शन fn है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10000 प्लस 100 दैट इज 10100 इस तरीके से। तो ये होगी हमारे फंक्शन fn की वैल्यू। अब अगर c की वैल्यू आपने 1 ली तो कॉन्स्टेंट 1 है तो gn की वैल्यू कितनी होगी, इस केस में होगी 2, यहाँ पर gn की वैल्यू कितनी होगी 4, यहाँ पर gn की वैल्यू कितनी होगी 8, यहाँ पर gn की वैल्यू कितनी होगी 16 अप टू सो ऑन, जब 10 है n की वैल्यू 10 है तो gn की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1024। देखो कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा था जब n की वैल्यू 10 हुई तो उस फंक्शन ने ग्रो किया 1100, लेकिन ये ग्रो कर गया 1024।
जब n की वैल्यू 20 है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 1024 मल्टीप्लाइड बाय 1024 व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 10^6, करेक्ट। उसी तरीके से जो ये जो फंक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। अब अगर मैं c की वैल्यू 100 लेता हूँ तो कॉन्स्टेंट c की वैल्यू 100 है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 200, यहाँ पर 400, यहाँ पर 800, यहाँ पर 1600 एंड सो ऑन, तो यानी कि ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा। अगर मैं एन की वैल्यू लेता हूँ, सी की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 0.5, तो इसमें केस में क्या होगा वैल्यू 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन, यहाँ पर हो जाएगी 512। जब एन की वैल्यू 10 है तो हो जाएगी 512, लेकिन जब एन की वैल्यू 20 है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी 1024 मल्टीप्लाइड बाई 1024 डिवाइड बाई 2 विच इज़ अगेन इक्वल टू 10^6 डिवाइड बाई 2 विच इज़ अगेन वेरी बिग एज कम्पेयर टू दिस। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो कॉन्स्टेंट सी है अगर सी की वैल्यू 1 है तो ये पॉइंट एन नॉट एग्जिस्ट करेगा। अगर सी की वैल्यू हमने बड़ी ले ली, जैसे सी की वैल्यू हमने 100 ली, तब भी ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अगर सी की वैल्यू बिगर है तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में शिफ्ट शिफ्ट जाएगा, फॉर बिगर वैल्यूज ऑफ सी, बिगर वैल्यूज ऑफ सी, यानी कि अगर सी की कॉन्स्टेंट वैल्यू हुई तो ये जो पॉइंट है पहले से ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, इस डायरेक्शन में ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, ये पॉइंट आपको पहले मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं सी की वैल्यू को छोटा लेता हूँ, जैसे सी की वैल्यू 0.5 ली, तो इसके आप जगह आप 0.1 भी ले सकते हो, 0.001 भी ले सकते हो, 0.00001 भी ले सकते हो, कोई भी बहुत छोटी वैल्यू भी ले सकते हो। लेकिन अगर ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है, चाहे वो सी इक्वल टू 1 में एग्जिस्ट करे, सी इक्वल टू 100 में एग्जिस्ट करे, अगर ये पॉइंट कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है तो उस केस में अगर मैं सी की वैल्यू 0.5 लेता हूँ तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ सी, स्मॉलर वैल्यूज ऑफ सी, यानी कि जो सी कॉन्स्टेंट की वैल्यू बस ये डिक्टेट करती है कि आपको ये जो पॉइंट एन नॉट है वो आपको पहले मिल रहा है या फिर ये आपको ये पॉइंट जो एन नॉट है ये आपको बाद में मिल रहा है, तो ये सी का सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर ये पॉइंट एन नॉट एग्जिस्ट करता है तो ये पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो ये आपकी सिग्निफिकेंस है सी पॉइंट की। अभी जो कॉन्स्टेंट सी है ये तीनों केसेस में सेम ही चीज़ रहा है, यहाँ पर भी कोई कॉन्स्टेंट है, इट कैन टेक सम रैंडम वैल्यू, यहाँ पर भी कोई कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर भी कोई कॉन्स्टेंट है, और ये पॉइंट एन नॉट कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नोटेशंस हैं ये यहाँ पर वैलिड है, ये यहाँ पर मैटर करती है। अब देखो इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देता हूँ जिससे आपको आई थिंक कि पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इसको समझ के देखिए तो आपको पढ़ने भी मज़ा आएगा और ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं ऐसा लेता हूँ कि मेरे पास फंक्शन एफ एन जो है वो है हमारे पास 100n + 1000 और फंक्शन है हमारे पास gn = n², तो ये हमारे पास केस नंबर 1 है, gn = n², ये हमारे पास केस नंबर 1 है। अब इस केस में क्या हो रहा है, देखो कैन आई से fn इज ऑर्डर ऑफ gn, सेकेंडली कैन आई से fn इज ओमेगा ऑफ gn, कैन आई से fn gn इज ओमेगा ऑफ fn, कैन आई से gn इज ऑर्डर ऑफ fn। पहले आप इस चार केसेस को समझो, इनमें से कौन कौन से केसेस यहाँ पर वैलिड होते हैं। पहला केस है fn इज ऑर्डर ऑफ gn। अब ये जो पहला केस है वो बेसिकली हमने यहाँ पर अभी भी देखा है, इस केस में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ gn इज मच हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ fn, तो ये जो नोटेशन है यहाँ पर वैलिड है, इट इज करेक्ट, इट इज ट्रू। लेकिन fn इज ओमेगा ऑफ gn, इट इज नॉट करेक्ट। Why it is not correct? Because जो gn है वो हमेशा एक पॉइंट के बाद fn से बड़ा होगा, वो कभी छोटा नहीं होगा। देखो ये जो दूसरी नोटेशन है हमारे पास ये क्या बोलता है कि gn हमेशा fn से छोटा रहे। मैं इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको समझाता हूँ, शायद आपको ना समझ में आया हो, पर मैं इसको बिग ओमेगा को ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बिग ओमेगा क्या बोलता है कि ये आपके पास fn है और ये आपके पास कुछ c डॉट gn है और ये पॉइंट है आपके पास n नॉट। इस पॉइंट से पहले इनकी वैल्यूज फ्लक्चुएट हो सकती हैं, लेकिन इस पॉइंट के बाद
जी एन जो है वो हमेशा एफ एन से छोटा रहेगा, यानी कि ये जो जी एन है ये एफ एन को एक लोअर बाउंड दे रहा है, हमेशा एक लोअर बाउंड दे रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगा के देखो, क्या जी एन एफ एन से छोटा रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जी एन का रेट ऑफ ग्रोथ एफ एन से बहुत बड़ा है, जी एन का रेट ऑफ ग्रोथ एफ एन से बहुत बड़ा है। तो ये जो वैलिड, ये जो पॉइंट है यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ जी एन इज ओमेगा ऑफ एफ एन, इज इट करेक्ट? यस यस। वाई वाई इट इज़ करेक्ट? बिकॉज जी एन जो है, जो एफ एन जो है वो जी एन से हमेशा छोटा रहेगा, तो ये करेक्ट है। क्या मैं बोल सकता हूँ जी एन इज ऑर्डर ऑफ एफ एन? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि एफ एन जो है एक पॉइंट के बाद हमेशा जी एन से छोटा रहेगा, तो बिग ओ तो हम बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। बस फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेट अस से मैं बोलता हूँ एफ एन जो है दैट इज एन स्क्वायर प्लस 10n प्लस 100 एंड जी एन जो है दैट इज एन क्यूब। जी एन की वैल्यू है हमारे पास एन क्यूब। कैन आई से एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन? कैन आई से एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन? कैन आई से जी एन इज ऑर्डर ऑफ एफ एन? कैन आई से जी एन इज ओमेगा ऑफ एफ एन? इसमें से कौन सा केस यहाँ पर वैलिड है? देखो, जब बोलता हूँ एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, इसके लिए एक देखो, इसमें आपको ये देखना है कि दोनों में से रेट ऑफ ग्रोथ किसका ज़्यादा होगा। क्या ये ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है या फिर ये ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है? जब आप इसको चेक करोगे, आप इसके लिए एक ऐसे टेबल बनाओ, एक टेबल बनाओ, उससे यू कैन ट्राई टू ड्रॉ अ ग्राफ। आप बता सकते हैं कौन ज़्यादा स्पीड से, कौन ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। जैसे कि देखो, एक इस वाले केस में आपको ग्राफ बना देता हूँ शायद, लेकिन आगे मुझे लगता नहीं कि मुझे ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट इस वाले केस में आपके लिए ग्राफ मैं बना देता हूँ। देखो, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास एफ एन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास जी एन। आई एम एज्यूमिंग सी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज एन। अगर मैं बोलता हूँ एन इज 0, सॉरी एन इज 1, उस केस में एफ एन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास? 1 प्लस 10 प्लस 100 दैट इज 111। जी एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? दैट इज 1। नेक्स्ट, अगर बोलता हूँ एन की वैल्यू 2 है, तो एफ एन की वैल्यू कितनी होगी? 4 प्लस 20 प्लस 100 दैट इज 124। और जी एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 8। अगर मैं बोलता हूँ एन की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो उस केस में एफ एन की वैल्यू कितनी होगी? 9 प्लस 30 प्लस 100 दैट इज 139। लेकिन जी एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? दैट इज 27, क्योंकि क्यूब है ना। ऐसे ही अगर एन की वैल्यू 4 है, तो एफ एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 16 प्लस 40 प्लस 100 दैट इज 156। लेकिन जी एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? जी एन की वैल्यू होगी हमारे पास 64। ऐसे ही अगर मैं और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, लेट अस से मैं एन की वैल्यू 10 एज्यूम करता हूँ, तो एफ एन की वैल्यू कितनी होगी? 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 300। लेकिन जी एन की वैल्यू कितनी होगी इस केस में? जी एन की वैल्यू होगी हमारे पास 1000। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो जी एन है वो एफ एन से ज़्यादा स्पीड पे ग्रो कर रहा है। दूसरी चीज़ आप ध्यान देना कि जब भी मैं इस ग्राफ को बना रहा हूँ, तो ये ग्राफ इस डायरेक्शन में ओपन है। ओपन का मतलब क्या है कि एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यानी कि जब भी हम इस तरह के एसिम्प्टोटिक नोटेशन देते हैं, जब भी हम इस तरह के एसिम्प्टोटिक मेजरमेंट्स देते हैं, सो वी गिव इट फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एन, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एन। तो एन की बहुत ही लार्ज, एन की बहुत ही बड़ी वैल्यू, उसके लिए हम इस तरह के मेजरमेंट्स देते हैं। अब इस केस में आप देखो कि यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो हमने एक स्मॉल वैल्यूज़ को एज्यूम किया था, बट काफ़ी केसेस में आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एन की एक बहुत ही लार्ज वैल्यूज़ के बारे में आपको ये मेजरमेंट जो है वो एज्यूम करने पड़ेंगे, और जो मेजरमेंट्स आप एन की बहुत ही लार्ज वैल्यूज़ के बारे में ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, बिकॉज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जी एन इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एफ एन, तो ये जो पहला है ये हमारे पास करेक्ट है, ये हमारे पास करेक्ट है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ एफ एन इज़ ओमेगा ऑफ जी एन, एफ एन इज़ ओमेगा ऑफ जी एन, ये करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। बिकॉज जो जी एन है वो उसका लोअर बाउंड नहीं दे रहा, जी एन उसको अपर बाउंड दे रहा है। इसको ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा जी एन जो है वो एफ एन से बड़ा है, तो जी एन जो है वो उसको अपर बाउंड दे रहा है, इसका लोअर बाउंड नहीं दे रहा। नेक्स्ट केस, जी एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ एन, ये जो है ये भी रॉन्ग है, बिकॉज एफ एन उसको अपर बाउंड नहीं दे रहा।
जी एन इजकल टू ओमेगा ऑफ एफ एन, दैट इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि जो जी एन एफ एन है वो जी एन को लोअर बाउंड दे रहा है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर वैलिड होगा, करेक्ट। अब मुझे एक और मेजरमेंट आप बताओ, इफ आई से कि मेरे पास एफ एन है एन स्क्वायर, जी एन है टू रेस्ट पावर एन, एच एन है एन क्यूब, एच एन है एन क्यूब। अब आप मुझे बताओ इस केस में कैन आई से एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, कैन आई से एच एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, कैन आई से दैट एफ एन इज ऑर्डर ऑफ एच एन, क्या ये तीन चीज़ें यहाँ पर वैलिड होगी, क्या ये तीन चीज़ें यहाँ पर वैलिड होगी? बिल्कुल वैलिड होगी। यहाँ पर देखो इन तीनों के केस में अगर मैं बिगर ओ की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एन स्क्वायर है इससे बड़ा होता है हमारे पास एन क्यूब, उससे बड़ा होता है हमारे पास टू रेस्ट पावर एन। अगर आप एन की काफ़ी लार्ज वैल्यूज आप इमेजिन करो कि लेट अस से एन इज़ 100, अगर एन की वैल्यू 100 होगी उस केस में आप देखोगे कि ये टू रेस्ट पावर एन है इट इज़ मच मच बिगर देन एज कम्पेयर टू एन रेस्ट पावर 3, तो ये जो वैल्यू है ये बहुत ही बड़ी होगी, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टू रेस्ट पावर एन है वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एफ एन से ज़्यादा है और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एच एन से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें वैलिड रहेंगी। तो आपके पास क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है कौन सा रेट ऑफ ग्रोथ बड़ा है और कौन सा रेट ऑफ ग्रोथ छोटा है। जैसे कि अगर काफ़ी क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि एफ एन जो है वो है हमारे पास लेट अस से एन स्क्वायर, जी एन जो है वो है हमारे पास एन लॉग एन, एच एन जो है वो है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एन, अंडर रूट ऑफ एन। अब आपको ये देखना है इन तीनों में से, तीनों केसेस में से किसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है, किसका रेट ऑफ ग्रोथ कम है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर एच एन जो है अंडर रूट ऑफ एन है और आई कैन से लेट अस से आई एन इज इक्वल टू एन इंटू अंडर रूट ऑफ एन। अब आपको बताना है इन चारों में से किसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है, किसका रेट ऑफ ग्रोथ कम है। रफली अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो एच एन है वो सबसे छोटा है, यानी कि अंडर रूट एन सबसे छोटा है, उससे बड़ा आप कह सकते हो कि एन लॉग एन उससे बड़ा है, उससे बड़ा आप कह सकते हो कि एन स्क्वायर उससे बड़ा है। लेकिन काफ़ी केसेस में आपको इस तरह की मुश्किलें, इस तरह की परेशानियां आएंगी कि आपके पास एन लॉग एन वर्सेस एन रूट एन इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। उसको चेक करने के लिए आई विल टेल यू सम ऑफ द टेक्निक्स, मैं वो कुछ टेक्निक्स जो है वो यहाँ पर आपको मैं कराऊँगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो क्वेश्चन हैं, इसको हम आगे लेने वाले हैं। और बेसिकली क्या है कि मैं जब आपको प्रोग्राम्स की फॉर्मेट में सारा समझा दूंगा कि ये कैसे हो रहा है, कौन सा हो रहा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उसके बाद मैं आपको एक टेबल दूंगा, प्रॉपर टेबल, कि इस तरह से जब आपके पास फंक्शंस हैं तो कौन सा फंक्शन बड़ा है और कौन सा फंक्शन छोटा है और किस तरीके से आप इसकी अपर बाउंड और लोअर बाउंड आप मेज़र कर सकते हो। तो अभी के लिए बस आप सिर्फ इतना समझो, अभी आपको इतना इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, आगे आने वाले टाइम पर मैं आपको और इन डेप्थ में कराऊंगी, आगे आने वाले इसी वीडियो की आगे जो लेंथ है उसमें, अगले वाले पार्ट में ही जैसे मैं और ज़्यादा लेंथ में कराऊंगी, लेकिन इस समय पर आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ये चीज़ें, ये डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन क्या है। मैं आपको ये जो लास्ट डेफिनेशन है बिग थीटा, उस डेफिनेशन को एक बार मैं आपको कराता हूँ, एक बार वो समझाता हूँ, फिर आपको प्रॉपरली तीनों डेफिनेशन से एक बार समझ में आ जाएगी तो ही मैं इसमें आगे बढ़ पाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बिग थीटा की डेफिनेशन आपको कराता हूँ, ठीक है। तो अभी जो तीसरा जो केस है मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास बिग थीटा नोटेशन क्या होता है। देखो बिग थीटा नोटेशन की जो डेफिनेशन है बिग थीटा की, वो डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ एन है और जो फंक्शन जी एन है, तो वी कैन हैव सी वन डॉट जी एन एंड देन वी हैव सी टू डॉट जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट एंड एन ग्रेटर देन एन वन एंड सी वन एंड सी टू आर कॉन्स्टेंट, C1 and C2 are constant, ठीक है। अब देखो जब आप इसको ग्राफ को बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं किसी फंक्शन को ऐसे लेता हूँ एफ एन इज इक्वल टू प्लस 100 एन प्लस 100, जी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एफ एन इज इक्वल टू 10 एन स्क्वायर प्लस 100 प्लस जी एन। देखो इस केस में ना आपको पता होना चाहिए बिग थीटा पढ़ने के लिए कि बिग ओमेगा क्या है और बिग ओ ऑर्डर क्या है।
जैसे इस केस में मैं आपको प्रूव करूंगा कि यहाँ पर हमारे पास बिग ऑर्डर भी ओ भी वैलिड है और इस केस में बिग ओमेगा भी वैलिड है, ठीक है। पहला केस है जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर कैन वी से एफ एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन, क्या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, कैन वी से एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, कैसे बोलेंगे। देखो ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास एफ एन और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास जी एन, पर साथ में हमारे पास है सी डॉट जी एन, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारे पास एन नॉट, करेक्ट। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये एन है, ये एफ एन है और ये सी डॉट जी एन है, और मैंने यहाँ पर बोला कि सी इज ए कॉन्स्टेंट, सो लेट सी इज इक्वल टू 11, यानी कि सी को मैंने 10 से बड़ा एज्यूम कर लिया। तो एन की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम करो, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जी एन जो है वो एफ एन से बड़ा होगा, बिकॉज सी जो कॉन्स्टेंट है वो उससे बड़ा है। ध्यान दो, अगर आपके पास जी एन कभी एफ एन से छोटा है, जी एन अगर एफ एन से छोटा है तो सी की आप कितनी भी बड़ी वैल्यू एज्यूम कर लो तो वो पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ लेट अस से एच एन इज इक्वल टू हमारे पास है एन, नाउ कैन आई से जी एन इज ऑर्डर ऑफ एच एन, आई कैन नेवर से, वाई इवन इफ C इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 10, यानी कि C की आप बहुत ही बड़ी वैल्यू एज्यूम कर लो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आएगा ही आएगा कि जी एन एच एन को भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जी एन इज मच हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एच एन। तो अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट कर देगा, चाहे वो आपका कहीं पर भी। अब देखो इस केस में क्या हुआ कि C की वैल्यू अगर 11 है तो ये जो जी एन है वो एफ एन से बड़ा होगा हमेशा, C की वैल्यू 12 है तो जी एन हमेशा एफ एन से बड़ा हो, यानी कि C के ऊपर फ्लैक्चुएट करता है। इस केस में हम कह सकते हैं एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन, दिस इज परफेक्टली फाइन, इट इज परफेक्टली फाइन। उसी तरीके से कैन आई से जी एन इज ऑर्डर ऑफ एच एन एफ एन एंड दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन, बिकॉज ये दोनों चीज़ें यहाँ पर वैलिड है, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन एज वेल एज जी एन इज ऑर्डर ऑफ एच एन। एक्चुअल में जब भी हम यहाँ पर मेज़र करते हैं ना तो उसमें हम इनकी पावर से मेज़र करते हैं कि जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी है वो ज़्यादा बड़ा है। अब दोनों के केस में एन की पावर सेम है, जैसे एन स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एफ एन इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मैं ये भी कह सकता हूँ एफ एन इज ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है कि किसी भी फंक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग अपर बाउंड्स पॉसिबल है, जैसे कि इस केस में हमारे पास एक एन क्यूब भी इसका एक अपर बाउंड है, एन रेज टू पावर 4 भी एक अपर बाउंड है, एन रेज टू पावर 5 भी एक अपर बाउंड है। इस तरीके से किसी भी फंक्शन के लिए देयर आर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स, बहुत सारे ऐसे अपर बाउंड्स पॉसिबल हैं, लेकिन हम उन सभी अपर बाउंड में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ उस अपर बाउंड में इंटरेस्टेड है जो कि एफ एन के सबसे पास हो, यानी कि एफ एन के सबसे क्लोज हो। जैसे कि इस केस में एफ एन के जो सबसे पास जो अपर बाउंड पड़ेगा वो एन स्क्वायर ही पड़ेगा। एक्चुअली जो हाईएस्ट पावर है, देखो मैं इसमें थोड़ा सा एक स्किप कर रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ना हो जाए, बट आप इतना समझो कि किसी भी फंक्शन के लिए उस फंक्शन के जो सबसे हाईएस्ट पावर है, जो एन की सबसे हाईएस्ट टर्म है, वो उसका अपर बाउंड देती है, वो सबसे क्लोजेस्ट अपर बाउंड होता है। जैसे कि अगर फंक्शन हमारे पास ये है, इस फंक्शन के लिए एन स्क्वायर भी एक अपर बाउंड है, एन क्यूब भी एक अपर बाउंड है, एन रेज़ पावर 4 भी एक अपर बाउंड है, एन रेज़ पावर 5 भी एक अपर बाउंड है, एन रेज़ पावर 1000 भी अपर बाउंड है, 2 रेज़ पावर एन भी अपर बाउंड है। तो इस फंक्शन के लिए देर आर इनफाइनाइट अपर बाउंड्स, देर आर इनफाइनाइट डिफरेंट अपर बाउंड्स, लेकिन हमें हर एक अपर बाउंड नहीं चाहिए, हमें वो अपर बाउंड चाहिए जो इस फंक्शन के सबसे ज़्यादा क्लोज हो। तो इस फंक्शन के सबसे ज़्यादा क्लोज अपर बाउंड कौन सा होगा, जिसमें अपर बाउंड की जो पावर है वो उससे एग्जैक्टली मैच होती हो, यानी कि वो पावर एग्जैक्टली हमारे पास सेम हो, तो वही हमारा सबसे क्लोजेस्ट अपर बाउंड रहेगा और वही सबसे हमारा क्लीन या फिर सबसे पास में जो अपर बाउंड है उसी को हम इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं फंक्शन जो है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये सबसे क्लोजेस्ट है। उसी तरीके से कैन आई से एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन, यहाँ पर येस, वाई, बिकॉज अगर आप सी की वैल्यू को छोटा एज्यूम करोगे, यानी कि सी की वैल्यू को आप 10 से छोटा इमेजिन करोगे, 10 भी इमेजिन करोगे, तो जो जी एन है वो हमेशा एफ एन से छोटा होगा। तो यहाँ पर अपर बाउंड भी वैलिड है और लोअर बाउंड भी वैलिड है। तो किसी भी फंक्शन के लिए हम हमेशा एक टाइटेस्ट अपर बाउंड, एक टाइटेस्ट लोअर बाउंड ही ढूंढते हैं और वही हमारा एम रहेगा।
आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में आपको टाइटेस्ट ओवर बाउंड और टाइटेस्ट ओवर बाउंड भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी बस ये समझना है हमें कि बिग थीटा होता क्या है। बिग थीटा का मतलब क्या है कि अगर ये फंक्शन आपके पास है fn और ये फंक्शन है आपके पास c1.gn और ये फंक्शन है आपके पास c2.gn, यानी कि अगर किसी फंक्शन की जो वैल्यूज़ है वो फ्लक्चुएट करती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टेंट वैल्यू, कि कभी अगर कॉन्स्टेंट की वैल्यू की वजह से जी एन बड़ा है और कभी कॉन्स्टेंट की वैल्यू से जी एन छोटा है, अगर ऐसा कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हम बोल सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन। तो उस केस में बोलेंगे एफ एन जो है वो थीटा ऑफ जी एन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिग ऑर्डर नोटेशन क्या है, बिग ओमेगा नोटेशन क्या है और बिग थीटा नोटेशन क्या है। अगर आपको तीनों नोटेशन के बारे में पता है तो आप काफ़ी चीज़ों को बहुत ही ईजिली परसीव समझ पाएंगे, इसको इजीली हम प्रोग्राम्स के ऊपर भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ एक डेफिनेशन दी है कि बिग ऑर्डर, बिग थीटा और बिग ओमेगा की मतलब क्या है। अब अगले वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लूँगा। आई जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक हियर और क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स, सो आई जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक और उसके बाद आई विल कम बैक और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, थोड़े और बेटर एग्जांपल्स दूंगा और फिर उन एग्जांपल्स के बाद हम इसको देखेंगे, इसको प्रोग्राम्स के कॉन्सेप्ट में, प्रोग्रामिंग में और एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।